शोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में किशन और ललता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बालू नाम का एक बेटा था। बालू उनका एकमात्र बेटा होने के कारण वो जो मांगता था वो दे देते थे। उसकी सभी फरमाइशें पूरी कर देते थे। इस तरह बालू को जो दिखता था उसे मांगने की आदत पड़ गई। एक दिन आइसक्रीम की गाड़ी उनकी घर के सामने से गुजर रही थी। माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बेटे के पूछते ही ललता ने आइसक्रीम वाले को रोककर बालू के लिए आइसक्रीम खरीदा। दूसरे दिन उस गली में आम बेचने वाला आया। आम खरीदो, आम खरीदो, आम आम, 5 रुपया में एक, 10 रुपये का 3, आम खरीदो। उसे देखकर बालू अपने माँ से, माँ आम बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। ऐसे पूछते ही उसकी माँ ने तुरंत आम खरीद कर दे दिया। बालू खुशी खुशी आम खाने लगा। बालू के माता पिता रोज एक खिलौना खरीद कर उसको लाकर देते थे और बालू उसके साथ खेलता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन बालू ने अपने पड़ोसी लड़के रामू को एक बड़े खिलौना हवाई जहाज के साथ खेलते हुए देखा। उसे देखकर बालू भी उस खिलौने के साथ खेलने के लिए रामू के पास गया। वो हवाई जहाज हवा में उड़कर चक्कर काटकर फिर जमीन पर लौट आता था। उसे देखकर बालू को उसके साथ खेलने की इच्छा और बढ़ गई। रामू मुझे भी एक बार वो जहाज दो ना, मैं भी उसके साथ खेलूंगा, जहाज बहुत सुंदर है। बालू ने उस जहाज को लेने की कोशिश की लेकिन रामू ने नहीं दिया। मैं नहीं दूंगा, ये खिलौना मेरा है, मैं ही उसके साथ खेलूंगा। एक बार दो, मैं फिर वापस कर दूंगा। जाओ तुम अपने पिताजी से खरीदवाओ, जाओ। रामू ने बालू को धक्का दिया। वापस बालू ने भी रामू को धक्का दिया। इस तरह दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। उन दोनों को लड़ते देखकर दोनों के माता पिता वहां आए और उन दोनों को समझाया कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है। रामू मैं भी तुमसे बड़ा हवाई जहाज खरीदूंगा, तब मैं तुम्हें एक बार भी नहीं दूंगा। बालू की माँ उसे अंदर ले गई और कहा, दोस्तों के साथ लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, नहीं तो अपने पिताजी से पूछना, ठीक है? ठीक है माँ। बालू सोते हुए बड़बड़ा रहा था। बालू के इस तरह बड़बड़ाने से किशन और ललता को बहुत दुख हुआ। दोनों मिलकर सोचने लगे कि उनका बेटा हर समय खुश रहना चाहिए। सुबह उठते ही बालू पलंग से उतरकर बाहर आया। उनके घर के सामने रामू के जहाज से बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसे देखते ही बालू बहुत प्रसन्न हुआ। बेटा ये तुम्हारे लिए ही है, कैसा है ये जहाज? बहुत अच्छा है। उस जहाज को लेकर बालू खुशी खुशी बाहर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद बालू घर में खेल रहा था। उस गली में एक मावटी हाथी लेकर आया। उस हाथी को देखकर बालू चकित हुआ। बाप रे, ये हाथी कितना सुंदर है, कितने बड़ा है, एक बार उस हाथी पर सवारी करने का मन कर रहा है। बालू के इस सोच को समझकर उसकी माँ ने, बेटा तुम्हें हाथी पर सवार होने का मन है? हाँ हाँ। देखो भैया मेरे बेटे को एक बार हाथी पर चढ़ाओ। हाथी पर चढ़ने के लिए थोड़े पैसे देने होंगे। आप जितना कहेंगे उतना पैसा मैं ला कर दूंगी। बालू की माँ ने अंदर जाकर पैसे लाकर उस मावटी को दिया। मावटी ने बालू को उठाकर उस हाथी पर बैठाया और कुछ देर इधर उधर घुमाया और वापस घर ले आया। मैं नहीं उतरूंगा, एकदम नहीं उतरूंगा। वैसे नहीं कहते बेटा, नीचे उतरो,
उसे वापस जाना है। मैं नहीं उतरूंगा। बालू हाथी से नीचे नहीं उतरा और रोने लगा। मावटी किसी तरह उसे समझा बुझा कर चला गया। माँ मुझे हाथी चाहिए, किसी भी तरह मुझे हाथी चाहिए। नहीं बेटा, वो हाथी हमारा नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी ला कर दे। तुम्हें जितने चाहिए उतने खिलौने ला कर दूंगी। चुप हो जाओ बेटा, और मिठाई फल भी ला कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वह हाथी ही चाहिए, ला कर दो। बालू की माँ को समझ में नहीं आया कि अपने बेटे को किस तरह समझाऊं। उसे समझाने की कोशिश करती रही। वो हाथी हमारे घर नहीं आएगा बेटा, वो हाथी मावटी का है, वो हमें नहीं देगा, उसे उसने पैसे देकर खरीदा है। खरीदने की बात सुनते ही उसे एक उपाय सूझा। मुझे भी हाथी खरीद कर दो। ये कौन सी बात हुई बेटा, हाथी को खरीदना है? उतने बड़े हाथी को हम कैसे खरीदेंगे? उसके खाने का इंतजाम हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारे बस की बात नहीं है। माँ के ऐसे कहने पर बालू चुप हो गया और अंदर चला गया। दूसरे दिन बालू को पता चला कि उनके बगल वाले गांव रतनपुर में एक सर्कस का आयोजन किया गया है। सर्कस जाने से हम वहाँ बहुत सारे हाथी, शेर और चीता देख सकते हैं। वहाँ कैसे जा सकते हैं मुझे नहीं मालूम। घर में बताने से उसके माता पिता उसे नहीं भेजेंगे और उसने जाने की ठान ली थी, इसलिए बालू अकेले ही रतनपुर के लिए चल पड़ा। उसे बहुत दूर चलना पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद बालू थक गया। उसे बहुत प्यास लगने लगी। प्यास लगने से हर पल माँ पानी देती है, लेकिन यहाँ मुझे पानी देने वाला कोई नहीं है। फिर भी सर्कस जाने की इच्छा से वो फिर चल पड़ा। बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे भी मेरे पास नहीं है। घर में मुझे माँ जो चाहिए वो खिलाती थी, यहाँ माँ नहीं है। घर जाने का मन कर रहा है, कुछ दूर और जाकर हाथी देखकर वापस चला जाऊंगा। भूख और प्यास लगने पर भी हाथी, शेर और चीता देखने की इच्छा से वह सर्कस तक चला गया। वहाँ सर्कस चल रहा था। उसे देखकर बालू को बहुत खुशी हुई, भूख और प्यास भूल गया। वहाँ पे हाथी, शेर और चीता के अलावा और तरह तरह के जानवर देखकर खुशी से फूला ना समाया। सर्कस करने वालों के पास जाकर उन्हें चकित होकर देखने लगा। क्या बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? सर्कस बहुत अच्छा है, हाथी, शेर और चीता भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उतना पसंद आया? हाँ, क्या आप मुझे उस हाथी पर चढ़ाएंगे? सभी के उस हाथी पर चढ़ने से वो हाथी नीचे गिरा देती है, हमारे आदमी को ही चढ़ने देती है। तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा, क्या आप मुझे रोज हाथी पर चढ़ाओगे? बालू की नदानी से उस आदमी के मन में एक बुरी सोच आई। लगता है ये लड़का घर छोड़कर आ गया है, ये लड़का हमारा बहुत काम आएगा। छोटे बच्चे के सर्कस करने से बहुत कोई देखेंगे, इसे अपने साथ ही ले चलते है। ठीक है, तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या तुम्हारे माँ पिताजी नहीं है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ आ जाऊंगा। हाथी, शेर और चीते के साथ खेलूंगा। बालू उन सर्कस वालों के साथ चला गया। न जाने बालू कहाँ चला गया। उसने जो चाहा वो ला कर दिया, वो जो खाना चाहता था उसे खिलाया। फिर भी उसे क्या चाहिए था? बेचारा कैसे है, रोज इस समय पे खाना खा लेता था। इतने में किशन घर लौटा। उन्हें देखते ही ललता रोने लगी और कहने लगी, ए जी, हमारा बेटा बालू दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कह रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, बालू अभी तक घर नहीं आया। क्या हुआ? वो बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढूं और किसे पूछूं? हम गांव में किसी और से पूछते हैं, किसी ने उसे देखा होगा।
इतने में वहाँ एक आदमी आया। सुनो किशन, तुम्हारा बेटा सर्कस के पास दिखाई दिया, वो अच्छे से खेल रहा है। हाँ, मेरा बेटा दिखाई दिया? कहाँ, कब? तो तुम्हें उसके जाने की खबर नहीं है? तो अकेले कैसा गया? चलिए तुरंत बालू को लेकर आते हैं। आज से सर्कस खत्म हो गया, वो लोग चले गए होंगे। आपका बालू कहाँ होगा? बेचारा रो रहा होगा। सुनिए जी, हम चलकर अपने बेटे को ढूंढते हैं और लेकर आते हैं। बेचारा रो रहा होगा, भूख के मारे उसका हाल बुरा हो रहा होगा। दोनों मिलकर उसे खोजने निकले। बालू उन सर्कस वालों के साथ जाकर हाथी पर बैठकर बहुत खुश हो रहा था। इस तरह एक दिन बीत गया। दूसरे दिन से बालू को अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने सर्कस की आदमी के पास जाकर, मैं अपनी माँ पिताजी के पास चला जाऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुमने तो कहा था तुम्हारे माँ पिताजी नहीं है, तो फिर तुमने हमारे साथ क्यों आया? तुम हमारे पास रहकर सर्कस सीखो, तुम्हारे द्वारा हम पैसा कमाना चाहते हैं। तुम कैसे चले जाओगे? बालू को बहुत डर लगने लगा। अपने माता पिता के ऊपर प्यार और बढ़ गया। सर्कस के आदमी के वैसे कहने से वह रोने लगा। उसे अपने माता पिता का खिलौने खरीदना, खाना खिलाना वगैरह वगैरह याद आने लगा और रोने लगा। मुझे माँ चाहिए, मैं अपने घर चला जाऊंगा। उस सर्कस के आदमी ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की। चुप रहो, रोना मत, मैं तुम्हें फिर हाथी पर चढ़ाऊंगा। बंदरों के साथ और हिरन के साथ खेलो, मोर के साथ भी तुम खेल सकते हो। तुम जो चाहते हैं सब यहाँ पर है, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन सबसे ज्यादा मुझे माँ पिताजी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास रहने से मुझे वो सब कुछ देंगे, मुझे जो चाहिए वो लेकर आएंगे। उन्हें बिना बताए आकर बहुत गलत किया। बेचारे माँ पिताजी को मैं बहुत पसंद हूँ, वो मेरे लिए रो रहे होंगे। मैं चला जाऊंगा। बालू के इस हालत को देखकर उस सर्कस वाले आदमी को भी उस पर दया आ गई। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पिताजी के पास ले जाऊंगा। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। उसकी बातों को सुनकर बालू चुप हो गया। बालू को कोचते हुए किशन और ललता दोनों उस सर्कस के पास आए। उन्हें देखते ही बालू खुशी से फूला नहीं समाया। हे माँ पिताजी! बालू को देखते ही उसके माँ पिताजी के जान में जान आई। दोनों बहुत खुश हो गए, बेटे को अपने पास लेकर दुलारने लगे। बालू के अपने माता पिता से मिलने से सर्कस वाला आदमी बहुत खुश हुआ और उनसे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा माँ पिताजी ही मुख्य है। आपके बेटे ने भी इस बात को जाना। आपके बेटे के तरह अगर सब समझने लगे तो सब खुश रहेंगे। आप बच्चे को लेकर वापस जाइए। ए बच्चे, सावधान रहो। तीनों खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए। रामपुर में रवि और चेतन नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। रवि एक संपन्न परिवार से था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका परिवार सुखी परिवार था। उसके पिताजी उस गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन चेतन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता लकड़ी के पुतले बनाता था, उन पुतलों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उसी कमाई पर उनका घर चलता था। उसके पिता राजीव को अपने बेटे के ऊपर बहुत आशा थी। चेतन को एक छोटी सी बहन भी थी। हमारा बेटा अगर अच्छे से पढ़ लिख कर होनहार बनता है तो हमारी पूरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या कहती हो कमला? ठीक कहते हो जी। अगर हमारा बेटा सचमुच पढ़ लिख कर होनहार बन गया तो हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों अपने बच्चे के ऊपर आशा रखकर अपनी जिंदगी बिताने लगे।
चेतन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी अपने माँ पिता के हाथ बटाता था। रोज अपने पिता के बनाए पुतलों को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखकर घर घर जाकर बेचता था। पुतले लो, पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे अच्छे पुतले लो। इस तरह चेतन को बचपन से ही सुख दुख की अवगत थी। उसी तरह रवि भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार था, लेकिन पैसों की उसे बहुत घमंड थी। चेतन के गरीब होने के कारण रवि को उससे दोस्ती करना पसंद नहीं था। उसकी स्थाई हमारी स्थाई से बहुत कम है, वो हमारी किसी भी तरह से बराबरी नहीं कर सकता। उसकी और मेरी दोस्ती का कुछ मतलब ही नहीं, हम दोनों में बहुत फर्क है, फिर भी मुझे उससे दोस्ती करना पड़ रहा है। रवि इस तरह से अपने दोस्तों के सामने उसके बारे में बोलता था। चेतन को इसके बारे में मालूम था, फिर भी इस बात को चेतन मन में नहीं लेता था। स्कूल में चेतन एक अच्छा बालक के नाम से जाना जाता था, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे था, लेकिन रवि अपने पैसों के घमंड से सबसे दुर्व्यवहार करता था। उसके चाल चलन किसी को पसंद नहीं आते थे। उस पाठशाला में गोपाल और शीला नाम के दो आलसी अध्यापक रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे, दोनों एक ही पाठशाला में काम करते थे। दोनों बच्चों को पढ़ाते नहीं थे और उनसे काम करवाते थे। उनका घर पाठशाला के पास ही था। ये लड़के, मैंने आज बर्तन साफ नहीं किए, जाकर थोड़ा बर्तन साफ कर दो, अपने साथ रवि को भी ले जाओ। इस तरह शीला हर समय बच्चों को कोई ना कोई काम बताती रहती थी। गोपाल का भी वही हाल था। कक्षा में इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों से कोई ना कोई काम करवाता रहता था। इन दोनों के व्यवहार को देखकर चेतन ने उन दोनों को सबक सिखाने की मन में ठान ली। उस दिन शीला टीचर कक्षा में आते ही सोने लगी। तब चेतन ने टीचर से ऐसा कहा, टीचर, हमारे इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, फिर भी हमारे हिंदी के पाठ अभी पूरे नहीं हुए हैं। चेतन के ऐसे कहने से शीला टीचर गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कब क्या पढ़ाऊं, चुपचाप बैठो। उस दिन से शीला टीचर को रवि नहीं पढ़ता था। उसे एक विद्यार्थी के अच्छे बोल भी सहन नहीं हुई। सभी विद्यार्थियों को गोपाल और शीला टीचर दोनों पसंद थे, क्योंकि वे प्यार से बात करते थे और बच्चों को पूरी आजादी देते थे। पढ़ाई करने को भी नहीं बोलते थे। केवल चेतन ही समझता था कि उनके चलते बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। टीचर के इस बर्ताव से तंग आकर चेतन ने रवि से कहा, दोस्त, ऐसे अध्यापक के वजह से हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। इम्तिहान के नजदीक आने पर भी वे हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कहें तो वो हमसे काम करवाते रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ी समस्या नहीं लग रहा है। वे दोनों बहुत अच्छे हैं। किसी भी दिन उन्होंने हमें दंड नहीं दिया। उस गणित मास्टर गिरी को देखो, हर समय बच्चों को डांटता रहता है, हर समय होमवर्क करने के लिए सताता रहता है, लेकिन ये दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं। रवि की बातों से चेतन आश्चर्यचकित हो गया। पागल, तुम्हें दूध और पानी का भेद नजर नहीं आ रहा? गिरी मास्टर की उस बर्ताव के कारण ही गणित में हमें उतने अच्छे अंक मिल रहे हैं। उसी तरह गोपाल और शीला टीचर के बताए हुए हिंदी और सामाजिक शास्त्र में हम पीछे रह गए हैं। इन दोनों अध्यापकों से गिरी मास्टर ही बहुत अच्छे हैं, वही है जो हमारी अच्छाई चाहते हैं। ये दोनों अध्यापक अच्छी बातें बनाकर हमें बर्बाद कर रहे हैं। चेतन के इन बातों का रवि पर कोई असर नहीं हुआ। उस तरह उस कक्षा के विद्यार्थी हिंदी और सामाजिक शास्त्रों में पीछे रह गए।
हर समय बातचीत में और कामों में अपना समय बर्बाद करते थे। चेतन सब समझता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके दोस्तों के उसका साथ ना देने से उसको बहुत दुख हुआ। एक अच्छे इंसान को बनाने वाले एक अध्यापक ही उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से उनका क्या हाल होगा। इस उम्र में किसी भी बालक को पढ़ाई में मन नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं। धीरे धीरे ही उनको पढ़ाई का महत्व पता चलता है। अगर अध्यापक बच्चों को गलत राह पर ले जाएं, तो भविष्य में सभी को पछताना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढना होगा, कुछ भी करके उन्हें बदलना होगा। मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूं? चेतन ऐसा सोचने लगा। गोपाल और शीला टीचर के हिंदी और सामाजिक शास्त्र दोनों को चेतन घर में ही पढ़ने लगा क्योंकि इम्तिहान नजदीक आ रहे थे। पुतले लो, पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे अच्छे पुतले लो। उस दिन पुतलों को बेचते हुए चेतन गोपाल और शीला टीचर के घर गया। चेतन को देखते ही शीला टीचर ने मुस्कुराते हुए उसको अंदर बुलाया। गोपाल मास्टर ने भी चेतन को प्यार से घर में बुलाया। तुमने अच्छे पुतले लाए चेतन, मुझे कुछ पुतले चाहिए। ये तो बहुत अच्छे है, कितने सुंदर है ये पुतले, है ना? ऐसे कहते हुए पुतले को हाथ में लेकर चकित होकर देखने लगे। वे पुतले टूटे हुए थे, किसी का पैर तो किसी का हाथ टूटा हुआ था। उन्हें देखकर वे बोले, क्या हुआ, ये पुतले कैसे टूट गए? क्यों, तुम्हारे पिता ने अच्छे से नहीं बनाया? हाँ मास्टर जी, मेरे पिता ने इन पुतलियों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पुतले टेढ़े मेढ़े हो गए और टूट भी गए हैं। ओहो ऐसा, देखा चेतन, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर बड़े बच्चों पर ध्यान नहीं दिए तो वे भी पुतलियों की तरह खराब हो जाते हैं। अगर एक शिल्पी ठीक तरह से काम नहीं करता या एक चित्रकार चित्र अच्छी तरह से नहीं बनाता, अगर सोनार सोना अच्छी तरह नहीं बनाता तो वो नहीं चमकता। किसी काम में भी आलसी नहीं होना चाहिए। पुतलियों को देखने से उसके पिताजी की आलसी पर नजर आता है, इसलिए पुतले ऐसे बनाए। चेतन उनकी बातों को सुनकर ऐसे कहने लगा, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मास्टर। आप भी अगर अच्छे शिल्प की तरह हमें बनाते हैं तो हम भी अच्छे शिल्प बनते ना मास्टर, नहीं तो हम इन पुतलियों की तरह ही रह जाएंगे मास्टर। चेतन के ऐसे कहने से उन दोनों के मन में हलचल हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। तुम्हारे द्वारा हमें अपनी गलती का एहसास हुआ चेतन, हमें क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया चेतन, विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवा किया, उसका हमें एहसास भी नहीं हुआ। हमें क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, हम जरूर न्याय करेंगे। उनके वैसे कहने से चेतन को बहुत खुशी हुई, खुशी खुशी घर गया। पुतले लो, पुतले लो, लकड़ी के पुतले लो, सुंदर सुंदर पुतले लो, अच्छे अच्छे पुतले लो। दूसरे दिन से शीला और गोपाल मास्टर दोनों में बहुत बदलाव आया। बच्चों से काम करवाना बंद कर दिया। चेतन के अच्छे गुण और पढ़ाई के बारे में बच्चों को बताया। इस बात को सुनकर रवि के बर्ताव में भी बदलाव आया। उसने अपनी घमंड छोड़ दी। इम्तिहान के नजदीक आने के कारण शीला और गोपाल मास्टर अच्छे से पढ़ने लगे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे। उस साल सभी बच्चे 60% उत्तीर्ण हुए। चेतन उसकी कक्षा में प्रथम आया। तब गोपाल मास्टर ने चेतन की बहुत बड़ाई की और ऐसा कहा,
बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार होने से वे हर दिशा में सफल होंगे। अगर हर विद्यार्थी चेतन को आदर्श माने तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक जंगल में दो बंदर रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। उस जंगल में एक सिंह भी रहता था। जंगल में मासूम जानवरों को मारकर खाना ही उसका काम था। जंगल के बाकी जानवर सिंह की इन हरकतों से बहुत डरने लगे। ये दोनों बंदर उस विषय में ही बात कर रहे हैं। दोस्त, क्या तुमने उस सिंह के बुरे बर्ताव के बारे में सुना? सुनने की बात कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, वह मासूम जानवरों को खा रहा है। ये सिंह सभी जानवरों के लिए यमराज की तरह है। किसी भी तरह इस सिंह से पीछा छुड़ाना होगा। उसके पीछा छुड़ाने के लिए हमारी शारीरिक बल नहीं, अपने दिमाग की बल से करना होगा। तो फिर क्या करें दोस्त? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस रात को ही हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा। दूसरी तरफ उस सिंह की मासूम जानवरों का खाना और उन जानवरों की दर्दनाक आवाज जंगल में गूंज रही थी। सारे जंगल में भय का माहौल था। हर दिन की तरह वो शेर जानवरों को खोजते खोजते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से दोनों बंदर आ रहे थे। दूर से उस सिंह को देखकर एक बंदर ने दूसरे बंदर से कहा, दोस्त देखो वहाँ पे सिंह है। डरो मत, वो शेर हमें नहीं खाएगा। चलो चलते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, दो बंदर आ रहे हैं, उन्हें खाकर मेरी आधी भूख मिट जाएगी। दो बंदरों में से एक बंदर को सिंह ने दबोच लिया। दोनों बंदर डर गए। सिंह के दबोच में आया बंदर बेहोश हो गया। कुछ देर में होश में आया। आज मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी भूख तुम्हारी वजह से मिटेगी। हा 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 हा। राजा, अगर तुमने मुझे खाया तो तुम बहुत पछताओगे। क्यों? पहले मुझे छोड़ो, तब मैं बताऊंगी। तुम्हें छोड़ने से तुम भाग जाओगे, मुझे मालूम है। पहले तुम बताओ, तुम्हें नाच बहुत पसंद है ना? इसीलिए हम लोग इंसान के पास जाकर नाच सीख कर आ रहे हैं। तुम विश्वास करो, हम लोग नाच कर दिखाएंगे। मुझे तुम पर विश्वास है, अभी नाच कर दिखाओ। सच में अगर तुम लोग नाच कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो हुक्म राजा, हम जरूर नाच कर दिखाएंगे। सिंह ने दोनों बंदरों को छोड़ दिया। दोनों बंदर नाचने लगे। उस नृत्य को देखकर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। हो हो हो, तुम लोग कितने सुंदर तरह से नाच रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम दोनों इस तरह मेरे पास आकर रोज नाचोगे? तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। राजा, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम रोज आकर नाचेंगे। ठीक है, मैं पहले जाकर दूसरे जानवर को खाता हूँ, मुझे अपनी भूख मिटानी है। जा रहा हूँ। सिंह वहां से चला गया। दोनों बंदरों ने चैन की सांस ली। इस तरह दोनों बंदर रोज सिंह के रहने की जगह जाकर नाचने लगे। सिंह इन दोनों बंदरों को छोड़ दूसरे जानवरों के ऊपर अपना प्रताप दिखाने लगा। एक दिन जब दोनों बंदर सिंह के पास जा रहे थे, तभी एक हिरन चिल्लाते भागते हुए उस तरफ आया। तभी बंदर ने उसे रोककर, रुको रुको मित्र, तुम क्यों इस तरह भागते हुए हाँफ रही हो? क्या बात है? आज सिंह ने मुझे देखा, मुझे मारने के लिए वो इसी तरफ आ रही है, मुझे अपने आप को बचाना है। ऐसा कहकर हिरन जंगल की ओर भागा। इसी तरह रोज बहुत सारे जानवर उस सिंह के लपेट आ रहे हैं। वैसे भी नाच आने की वजह से हम बच रहे हैं, मगर दूसरे जानवर का क्या होगा? सच,
हमें उस शेर को मारने का उपाय ढूंढना होगा। इतने में सिंह वहां आ गया। क्या तुम लोगों ने हिरन को इधर आते हुए देखा? हाँ, इधर से ही गया। बंदर ने वो रास्ता ना दिखाकर दूसरा रास्ता दिखाया। सिंह बंदर के दिखाए रास्ते पर भागा। मित्र, हमें आज शेर के पास नाचने ना जाकर बाकी जानवरों से बात करनी होगी। ठीक है मित्र। दोनों बंदरों ने मिलकर सभी जानवर को एक जगह मिलने की सूचना दी। हिरन, सांप, हाथी, पक्षी, खरगोश और सभी जानवर के पास जाकर उन्हें इकट्ठा किया। देखो मित्रों, आप सभी को मालूम है हम सिंह की हिंसा से कितने परेशान हैं। हाँ सच में, सिंह मेरे आकार को देखकर भी नहीं डर रहा और पीछे से वार कर रहा है। मेरे बहुत सारे साथी उसके चुंगल में फंस चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस सिंह को कैसे मारेंगे? आपने हमारी आकार देखी, हम आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं? अगर अच्छी उपाय हो तो किसी तरह की मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं। सच सच? अगर मेरे लिए कोई उपाय है तो बताइए, मैं करूँगी। दोनों बंदरों ने अच्छी तरीके से सोचकर एक एक को काम सौंपा। सब उनके लिए राजी हो गई। सिंह रोज उन दोनों बंदरों की आने की राह देखने लगा। इस तरह बहुत दिन बंदर नहीं आए। उसको खाने के लिए कोई जानवर नहीं दिखा। भूख के कारण सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन उस सिंह के पास तोता आया और पेड़ पर बैठा। राजा, आप क्यों चिंतित हैं? आप बहुत गुस्से और परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बहुत दिनों से दो बंदर आकर नाचते थे, इसीलिए उन्हें मैं नहीं खाया। लेकिन कुछ दिनों से उन बंदरों ने आना ही बंद कर दिया। इस जंगल के जानवर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर बंदर मेरे सामने आया तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। मैं अगर अपना पंजा फेंकूंगा तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। सिंह राजा, आप सच कह रहे हैं। आजकल दोनों बंदर बाकी जानवरों से मिलकर गप्पे मार रहे हैं। मुझे लग रहा है किसी विषय में चर्चा हो रही है। क्या ये सच है? मैं अभी जाकर उनका अंत देखूंगा, उनको समझाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो देर किस बात की, जाइए। सिंह गुस्से में वहां से निकला और वहां पहुंचा जहां सभी जानवर मिलकर बातचीत कर रहे थे। सिंह के आने से पहले ही दोनों बंदर बाकी जानवरों को कुछ बता रहे थे। उन्हें सुनने के लिए सिंह एक पेड़ के पीछे छिप गया। उससे पहले ही तोते ने आकर सिंह के आने की सूचना दी। जैसे कि पहले तैर हुआ था, वो तैयार थे। मित्र, हमारे सिंह राजा बहुत अच्छे हैं। सिंह हर समय हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं, इसीलिए हम जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी अच्छी तरह से नाचकर सिंह को प्रसन्न करें, हम यही चाहते हैं। सिंह ने वो बातें सुनकर खुशी से फूला ना समाया। सिंह बहुत खुश हुआ। इतने दिनों से बंदर मेरे बारे में सोच रहे थे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैंने उनके बारे में कितना गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया। मैं अभी जाकर माफी मांगता हूँ। सिंह उन जानवरों के पास गया। मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूँ। आपके जैसा मित्र मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे भूख लग रहा है, मगर मैं इनमें से किसे खाऊं? सिंह जिस जानवर के पास जाता था वो नाचना शुरू कर देते थे। बहुत देर तक उसे कोई जानवर नहीं मिला। मैं जितना भी कोशिश करने के बावजूद कोई मेरा भूख नहीं मिट रहा है। सब नाच रहे हैं, सबको मालूम है कि मुझे नाट्य पसंद है। क्या इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं? राजा सिंह, आप एक काम कर सकते हैं।
जो आपके देखने पर भी नहीं नाचता है, आप उसे खा लीजिए। जहाँ पर जानवर खड़े थे उनके बीच में एक तालाब है। एक हिरण को एक ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से उसका प्रतिबिंब उस पानी पर पड़े। सिंह ने सभी जानवरों को देखा, सभी नाच रहे थे। पानी में हिरण की परछाई देखी, वो नहीं नाच रही थी और वैसे ही खड़ी थी। सिंह को गुस्सा आया। ए हिरण, तुम नाच क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं नाचूंगी, मेरी इच्छा। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना घमंड? तुम मुझे ही प्रश्न कर रही हो? तुम अगर नहीं नाचोगी तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वैसी बात है तो मेरे पास आओ, आकर मुझे मारो। भूख से मर रहा सिंह उस पानी में कूदा। भूख और गुस्से की मारे उस सिंह की सोचने की शक्ति ही नहीं रही। उसने उस परछाई को नहीं पहचाना। वो बाहर नहीं आ सका और कांपने लगा। बचाओ, बचाओ! मुझसे ही धोखा किया, तुम्हारी अंत देखूंगा। तुम इतने दिन कितने ही जानवरों को खा चुके हो, इसका यही सलूक है। अब बाहर आना तुम्हारी बस की बात नहीं है। ही ही ही। सिंह डूब गया। बाकी जानवर बहुत खुश हुए। बंदरों की चालाकी की दाद दी। अब उस जंगल में सिंह का डर नहीं रहा। उस दिन से सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। डोलपुर नामक एक गांव है। उस गांव के पास एक जंगल है। उस गांव के आसपास के गांव में जाने के लिए उस जंगल को पार करना जरूरी है। उस गांव में बानो नाम का एक लड़का रहता है। माँ, पिताजी और दादी के साथ रहता है। एक दिन उस गांव में पुतले बेचने वाला आया। ये जानकर बानो उसके पास गया। उसके पास तरह तरह के पुतले और गनगन बजने वाले घंटे भी है। बानो को उन सब में से घंटिया ही पसंद आई। बानो अपने पैसे देकर एक घंटे को खरीदा। मैंने जो पैसे दिए, क्या इस घंटे का उतना ही दाम है? क्या मुझे वापस कुछ नहीं मिलेगा? ये घंटा बहुत कीमती है, बहुत अच्छी तरह से बजाता है, उतना पैसा ही लगता है। चाहिए तो लो, नहीं तो उसे वापस रख दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। आओ भाई आओ, अच्छे अच्छे पुतले लो, आइए सस्ते पुतले लो, पुतले लो, पुतले। बानो को घंटा बहुत पसंद आने के कारण उसने उसे खरीद लिया। पुतला बेचने वाला अपने पुतले समेत कर उन्हें बेचने अगले गांव की ओर चल पड़ा। पास वाले गांव जाने के लिए उसे उस जंगल में से जाना पड़ा। बानो उस घंटे को लेकर घर पहुंचा। उसे बजाते हुए अपने माँ के पास गया। माँ, मैंने इस घंटे को खरीदा, बहुत अच्छी तरह से गूंज रहा है ना माँ? घंटी क्यों, उसे तुमने क्यों खरीदा? घंटी बजने से स्कूल जाना चाहिए, फिर घंटी बजने से आकर भोजन करना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई, उसके साथ खेलना क्या? वो घंटी अलग है और ये घंटी अलग, ये कितने अच्छे से गूंज रही है, सुनो। इतने में वहाँ उसकी दादी आई। जाने दो बेटी, खेलने दो, खेलने के बाद वो खुद ही स्कूल चला जाएगा। बानू दिन भर उसी घंटे के साथ खेलते रहता था। उस घंटे की आवाज से घर के सभी लोग चिढ़ने लगे। उसके माता पिता के कहने पर भी वो उसे नहीं छोड़ता था। एक दिन उसकी दादी, अगर तुम रोज इसी तरह घंटी को बजाए तो मैं इस घंटी को ले जाकर भूत को दे दूंगी, समझ गए? मुझे ये घंटी बहुत पसंद है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम बहुत शरारती हो गए हो, बहुत जिद्दी कर रहे हो, अब मैं सच में भूत को तुम्हारी घंटी दे दूंगी। बानो के इस तरह रोज घंटी से खेलने के कारण उसकी दादी उसके सोने पर उस घंटे को लेकर चली गई।
दूसरे दिन सुबह उठते ही घंटी को बगल में ना पाकर बानू ने रोना शुरू कर दिया। मेरे घंटी कहाँ है दादी? मेरा घंटी, मेरे घंटी। अब रोने से क्या फायदा, तुम्हारी घंटी रात को भूत लेकर चले गए, उधर रूर जंगल में ले गए। दादी के ऐसा कहने पर बानू रो रो कर बिना काये ही सो गया। शाम हुआ, इतने में घंटी बजने की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज दूर जंगलों में से आ रहा था। उस आवाजों से बानू की नींद खुल गई। उन आवाजों को जंगल की तरफ से आते हुए सुना। गांव के बाकी लोग भी बाहर आकर उस आवाज को सुनने लगे कि वो आवाज कहां से आ रहा है। उनको समझ में आया कि वो जंगल से ही आ रहे हैं, लेकिन उस समय में क्यों? बानू भी बाहर आकर उन लोगों के साथ खड़े होकर सुनने लगा। सबके चकित हो जाने से बानू इस तरह कहने लगा, वो घंटे भूत बजा रहे हैं, भूत ही बजा रहे हैं। वैसे कहते हुए बानू घर की ओर भागा। बानू की इस बात को सुनकर गांव वाले भी घबरा कर अपने घरों की ओर भागने लगे। बापरे भूत, बापरे भूत, बापरे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सच में, नहीं तो इस आधी रात को जंगल में घंटी कौन बजाएगा? न जाने और कौन कौन अनाथ होंगे। घंटियों की आवाज रात के 9 बजे तक गूंजते रहे, उसके बाद रोक गए। घंटों की आवाज रोज सुनाई देने लगे। गांव के लोग समझने लगे कि घंटी भूत ही बजा रहे हैं। इसीलिए शाम को 5 बजे के बाद सभी ने घर से बाहर आना बंद कर दिया। उन बातों को सुनकर बानू के पिता ने, शाम के समय कोई भी घर से बाहर मत निकलो, भूत का संचार ज्यादा हो गया। गांव वाले लोग सब सावधान हो रहे हैं, हम भी सावधान रहना होगा। बानू के पिताजी के ऐसे कहते ही बानू की मां ने तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बेटा बानू, तुम भी खाना खाकर सो जाओ, न जाने भूत कब क्या करेंगे। तुमने ही उस घंटे को उन्हें दे दिया। ऐसा कहते हुए बानू खाकर सो गया। भूत के डर से गांव वाले शाम 6 बजते ही अपने काम निपटा कर घर चले गए। घंटी की आवाज गूंजने लगी। उन आवाजों को सुनकर सभी को डर लगने लगा, लेकिन बानू को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसके घंटे को कोई और ले जाकर बजाने का क्या मतलब है। इसलिए किसी भी तरह जाकर अपने घंटे को वापस लाने की ठान ली। एक दिन सुबह बानू जल्दी उठ गया और अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगा। अपने माँ के परोसे नाश्ते को जल्दी जल्दी खा लिया। अलमारी में रखे पैसे जो कभी कभी उसके माँ ने दिया था, उन्हें लेकर घर के बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने मूंगफली खरीदा और अपने तैली में डाल दिया। जंगल में जिस ओर से घंटी की आवाज सुनाई पड़ रही थी, उस ओर चल पड़ा। दोपहर होते ही जंगल में पहुंचा। दूर से एक शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। तुरंत पेड़ की टहनी पर चढ़ गया। मास्टर जी ने बताया था कि शेर पेड़ नहीं चढ़ते, मुझे कोई डर नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर कुछ देर गरजने के बाद वहाँ से चली गई। उफ, शेर चला गया, अब मुझे कोई डर नहीं, अब मैं पेड़ पर से नीचे उतर जाऊंगा। शेर से अपने आप को बचाकर बानू फिर जंगल की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगा। उसके दाई तरफ पानी की आवाज सुनकर उस ओर चल पड़ा। पास में उसे एक बड़ा तालाब दिखा। तालाब के पास जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी तैली रखकर पानी पिया। पानी बहुत स्वादिष्ट है। प्यास बुझने के बाद उसे भूख लगने लगी और उसने अपने साथ लाए मूंगफली निकालकर खाने लगा।
धीरे धीरे उसको घंटी की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाजें किस तरह से आ रहे हैं। अरे अरे, ये घंटों की आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से? उसने सिर उठाकर देखा, वहाँ पर एक बड़े पेड़ पर बहुत सारी घंटियाँ लटक रहे थे जो हवा के कारण हिलकर आवाज कर रहे थे। अरे ये तो मेरे घंटे की तरह ही है, ठीक वैसे ही है। यहाँ कैसे आए, किसने लाया? क्या मेरे घंटे की तरह ही भूत इन्हें भी यहाँ ले आए? इन्हें किसी भी तरह यहाँ से ले जाना होगा। बानू के इस तरह सोचते सोचते शाम के 5 बज गए। ये क्या, एक एक बंदर उन घंटियों के पास जा रहे हैं। देखते हैं बंदर क्या कर रहे हैं। ओहो, घंटी बजा रहे हैं। एक एक करके बंदरों ने घंटी बजाना शुरू किया, बहुत तेजी से घंटी बजाने लगे। ओ, तो ये बात है, घंटे बंदर बजा रहे हैं। मैंने तो सोचा था दादी मेरी घंटी भूत को दिया और भूत घंटी बजा रही हैं। मैं ही क्यों, गांव वाले भी वैसे ही सोच रही हैं। डर रहे हैं ना, बंदर के ये खेल हमारे गांव के लिए संकट बन गया। ऐसे बैठकर कुछ देर सोचने लगा। कुछ करना होगा, घंटियों को वैसे छोड़ देने से बंदर इसी तरह बजाते रहेंगे और हमें परेशानी होगी। गांव वालों का नींद हराम कर दिया, किसी तरह उन्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा। क्या करना होगा, कैसे? ऐसे सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। किसी तरह बंदरों का ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने अपनी तैली में रखे मूंगफलियों को निकालकर बंदर की ओर जमीन पर फेंका। मूंगफली बहुत पसंद होने के कारण सारे बंदर नीचे आकर मूंगफली खाने लगे। उसी समय बानू जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़कर एक एक घंटी को निकालकर तैली में डाल दिया। उसके बाद पेड़ से उतरकर जल्दी जल्दी अपनी गांव की ओर दौड़ा। उस दिन जब खिलौने वाला जंगल की ओर गया तब बंदरों ने उसकी घंटियां छीन ली। शेर उस खिलौने वाले पर हमला बोला और मार दिया। उसी दिन से वो बंदर भोजन कर उस पेड़ पे जाकर घंटियों से खेलने लगी। बानू के ना दिखने से उसके घर वाले उसे ढूंढने लगे। तभी उनसे एक गांव वाले ने कहा, शाम के 6 बज गए हैं, अब घर वापस चले जाओ, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कहाँ चले गए थे तुम, वैसे भी यहाँ भूतों का बहुत मुसीबत है। तुम कहाँ गए थे, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अपनी मस्ती में घूम रहे हो। अगर तुम्हें कोई भूत उठाकर ले गए तो क्या करोगे? दादी, मैं भूत को भगाकर आ रहा हूँ। तुमने जो घंटे भूत को दिए थे मैंने उसे वापस ले आया। तुम क्यों बक रहे हो, तुम भूत के पास गए थे? हाँ पिताजी, चाहे तो देख लीजिए, आज से आपको घंटे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बानू की बातों को गांव वालों ने सुना। उस दिन से घंटियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सब लोग शांति से जीने लगे। बिल्ली और चूहे के बीच जाति भेदभाव होने के बावजूद दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन बिल्ली एक घर में घुसकर चोरी छुपे दूध पीने लगी। उस घर के मालिक ने डंडा लेकर उसके पैर की ओर फेंका, बिल्ली की पैर टूट गई। बिल्ली की उस चोट को देखकर चूहे को तरस आई और उसने उसकी मलमपट्टी की और उसकी बहुत देखरेख की। बिल्ली के पूरी तरह ठीक होने तक चूहे ने उसकी दिन रात सेवा की। चूहे की इस सेवा से मुग्ध होकर बिल्ली ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। बाहर से जो कुछ भी खाने को लाते थे दोनों बांट के खाते थे। एक बार चूहा बीमार पड़ा तब बिल्ली ने उसकी देखरेख की। दोस्त, तुम मेरी सेवा करने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
रहने दो। मित्र, इसमें क्या गलती है? तुम ही ने तो कहा था कि जो मुसीबत में हो उसकी सहायता करनी चाहिए। क्या तुम भूल गई? अगर दुश्मन भी मुसीबत में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। ये बात मैंने तुम्ही से ही सीखा। तुम मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। उसे मेरी उम्र कम हो सकती है। ये प्रशंसा नहीं है, तुम्हारे उदार स्वभाव के बारे में ही कह रही हूँ। हम बिल्ली चूहे के जात में हर समय दुश्मनी है। हमारे बीच हर बार झगड़ा चलते रहता है। इन सब के बावजूद तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण हम दोनों के बीच में दोस्ती हुए। हमें देखकर हर जानवर दुश्मनी भूलकर दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। उस दिन से दोनों एक ही जगह रहने, खाने और सोने लगे। दोनों सुबह उठकर खाने की खोज में निकल पड़े। फिर शाम को दोनों अपने घर में मिलते। कुछ दिन बाद दोनों को बच्चे पैदा हुए। बिल्ली को दो, चूहे के दो बच्चे पैदा हुए। अपने बच्चों को देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते थे। जहां भी जाते थे दोनों साथ जाकर अपने बच्चों के लिए गाना लेकर आते थे। चूहे के छोटे होने के कारण उसे खाने की ज्यादा चिंता नहीं होती थी, लेकिन बिल्ली के बड़े होने के कारण उसके पेट भर खाना मिलना मुश्किल होता था। कहावत है कि बिल्ली बच्चों के पेट भरने के लिए उन्हें 10 घर घुमाती है। बिल्ली ने चूहे को बताई कि वह अपने बच्चों को लेकर दूसरे जगह चली जाएगी। मुझे लगता है यहीं रहने से मेरी बच्चे भूखे पेट मर जाएंगे, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। मैं भी आहार लाकर तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, मगर तुम जाने की बात मत करना दोस्त। नहीं मित्र, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हें आकर मिलूंगी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। सिर्फ तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचकर हाँ कर रही हूँ, नहीं तो तुम्हें जाना ही नहीं देती। कभी कभी मिलने जरूर आ जाना, नहीं तो हमें भूल जाओगे। जब से बिल्ली चली गई, चूहा बिचारी अकेले रहने लगी। बार बार बिल्ली को याद करके रोते रहती थी। दिन में एक बार जाकर बिल्ली और उसके बच्चों को देखकर आती थी। बिल्ली का घर अभी दूर है। फिर भी चूहा दूर न समझकर बिल्ली को देखने जाती थी। बिल्ली भी कभी कभी चूहे के घर आती थी। दोनों के बच्चे बड़े होने लगे। छोटे छोटे बातों से एक दूसरों को पुकारने लगे। कुछ दिनों में उस बिल्ली की एक और बिल्ली के साथ दोस्ती हो गई। ये काली बिल्ली थी। वहां भी बिल्ली को खाने की कम पड़ी। चूहा कभी कभी बिल्ली के बच्चों के लिए भोजन लेकर आती थी। बिल्ली और चूहे की दोस्ती काली बिल्ली को कटकने लगी। चूहे के साथ तुम्हारी दोस्ती क्यों? हमारे बिरादर के लोग सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। काली बिल्ली के ओर इस बिल्ली ने गुस्से से देखा। हम और हमारे बिरादरी उस चूहे के पास बेकार है। मत हंसो, मुझे गुस्सा आ रहा है। पागल बिल्ली, तुम उस चूहे की दोस्ती में हमारी जाति धर्म भूल रही हो। तुमको मालूम है बिल्ली हमको चूहे की मांस बहुत पसंद है। तुम क्या उसके साथ दोस्ती कर रहे हो? अभी हमें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। अगर तुम उस चूहे को मार कर खाओगे तो तुम्हें 3 दिन तक भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारी इच्छा।
यहाँ चूहे को भी एक और चूहे के साथ दोस्ती हो गई। तुम एक बिल्ली के साथ दोस्ती कर रही हो, वो बिल्ली कभी भी धोखा दे सकती है। तुम्हें मालूम है जानवरों में सबसे धोखेबाज जानवर बिल्ली ही है। उस पर उतना विश्वास मत करो, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ची ची, वैसे मत बोलो। वो बिल्ली सब बिल्लियों से अलग है, वो बहुत अच्छी है। उससे मुझे कभी कोई हानि नहीं होगी, वो बिल्ली कभी नहीं बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जो मालूम था वो बताया, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। काली बिल्ली की बात सुनकर वो बिल्ली पूरी तरह बदल गई। वो अपनी अंदर के अहम को बाहर निकालने लगी, लेकिन चूहे ने किसी का बात नहीं सुनी। बिल्ली का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, वो पूरी तरह से बदल गई। एक दिन बिल्ली चूहे के गैर हाजिर में उसके घर जाकर उसकी बच्चों को बुला फुसलाकर अपने साथ घर ले गई। चूहे के बच्चों को कालो बच्चों, तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा। मासूम बनकर बिल्ली फिर चूहे के घर गई। शाम होने पर भी बच्चों के ना लौटने से चूहा परेशान होने लगी। हर तरफ अपने बच्चों को ढूंढने लगी। फिर भी बच्चों का पता ना लगने से जोर जोर से रोने लगी। बिल्ली मासूमियत जताते हुए चूहे को समझाने लगी। तुम्हारे बच्चे खेलने के लिए ही बाहर जाए होंगे, जरूर वापस आ जाएंगे। चूहा अपना रोना बंद नहीं कर रही थी, रोते ही रही। इतने में बिल्ली के बच्चों ने चूहे के बच्चों को लाकर उसकी माँ को सौंप दिया। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ की करतूत उस चूहे को बताने लगे। माँ के ऊपर गुस्से हुए। खुद के बच्चों को डांटने से बिल्ली को अपमान महसूस हुआ। फिर भी चूहे ने बिल्ली से कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ गुस्से से भी नहीं देखा। इस बात से बिल्ली शर्मिंदा होकर, मुझे माफ करो दोस्त, इधर उधर की बात सुनकर मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, मैंने बहुत गलत किया, मुझे क्षमा करो। चूहे से ऐसा कहकर बिल्ली रोने लगी। अब और किसी की बात सुनकर तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि बिल्ली से दोस्ती बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और तुमसे दोस्ती की। तुम पे विश्वास करने पर तुमने अच्छा सबक सिखाया। उस दिन से चूहा और बिल्ली पहले की तरह अच्छी खुशी दोस्तों की तरह रहने लगे। बुरे संगत से और बुरे बातों को सुनने से अच्छे दोस्ती ही नहीं, बड़े बड़े राज्य भी मिट जाते हैं। रतनपुर नाम के गांव में रोहित और सुंदर नाम के दो विद्यार्थी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों में रोहित गरीब परिवार से था और सुंदर अमीर परिवार का था। उस गांव में पाठशाला नहीं रहने के कारण दोनों दूसरे गांव में पैदल ही पढ़ने जाते थे। रोहित के पिताजी को लकवा मारने के कारण उनके दोनों पैर सुन हो गए थे और वे पलंग पर थे। रोहित की माँ खेती बाड़ी कर उस परिवार को चलाती थी और बहुत मेहनत करती थी। इसके साथ साथ वो मेहनत मजबूरी भी करती थी और आराम भी नहीं करती थी। दिन भर बाहर काम करके घर लौटती थी और अपने पति और बच्चे के सेवा में लग जाती थी। अपने परिवार के लिए बेचारी सुभद्रा
एक यंत्र के तरह काम करती थी। रोहित के पिता शंकर जब ठीक थे तब वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे। अपनी मेहनत की पूरी कमाई को शराब पीने में खर्च कर देता था। उसी शराब की लात से उसको लकवा मार गया और एक पैर सुन्न हो गया। उस समय उसकी पत्नी सुभद्रा को भी बहुत परेशान करता था। अभी उसका हालत बिगड़ जाने का कारण बार बार सुभद्रा से क्षमा मांगने लगा। सुभद्रा, मैंने तुम्हें बहुत बार मारा बेटा और गालियां भी दी, फिर भी तुम मेरी इतना सेवा कर रही हो। तुम कितनी अच्छी हो सुभद्रा, मैंने ही तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। सुभद्रा, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। आप में बहुत बदलाव आया है, वही बहुत है। आपके इस बदलाव के लिए मैं कब से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इस उम्र में आपका इस तरह से बिस्तर पे पड़े रहना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि आपका वैद्य करवाऊं। सुभद्रा को मन में बहुत चिंता होती थी कि किसी तरह अपने पति को ठीक करवाऊं, लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपने बेटे रोहित को बुलाया। बगल में उसके पति शंकर भी थे। बेटा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनना है। हम इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं। हाँ बेटा, माँ की बात सुनो और मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हें एक उन्नत स्थान में देखना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा, तब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। रोहित ने अपनी माता पिता की बात को गांठ बांध लिया, पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और एक दिन की भी छुट्टी ना लेकर रोज स्कूल जाने लगा। रोहित के घर में एक भैंस है, वो सुबह और शाम दोनों बार दूध देता है। सुभद्रा रोज उस दूध को निकालती थी और रोहित उस दूध को बेचता था। उसी तरह उनके पार आधा एकड़ खेत थी। सुभद्रा उसमें तरह तरह की सब्जी उगाती थी। रोहित सुबह 5 बजे उठकर अपनी माँ की कामों में हाथ बटाता था। उसके बाद माँ बेटे दोनों जाकर भैंस के लिए हरी घास लेकर आते थे। अपने खेत में उगे हुए सब्जियों को भी काट कर एक टोकरी में लाते थे। तब तक रोहित का स्कूल जाने का समय हो जाता था। सुभद्रा जल्दी जल्दी खाना बनाकर रोहित को परोसकर खुद भी खाकर काम के लिए निकल जाती थी। रोहित स्कूल चला जाता था। शंकर चल नहीं पाता था, इसीलिए वो अकेले ही पलंग पर पड़ा रहता था। शाम को घर लौटते ही माँ बेटे दोनों खेत से लाए सब्जियों को बेचने जाते थे। तब तक शाम हो जाता था। उसके बाद रोहित अपने माँ के साथ लकड़ियां काट कर लाता था। उसके बाद दिए की रोशनी में पढ़ता था। उसकी माँ खाना बनाती थी। तीनों मिलकर भोजन करते थे। रोहित रात को 11 बजे तक पढ़ाई करके सोता था। इस तरह से रोहित इधर काम में और उधर पढ़ाई में आगे रहता था। इम्तिहान में अच्छे अंकों में अव्वल आता था। हर समय चुस्त पुस्त रहता था। उसे देखकर उसका दोस्त सुंदर पूछता था, तुम इतना काम कर अच्छी पढ़ाई कैसे कर लेते हो? मन लगाकर कोई भी काम करने से उसका अच्छे फल ही मिलता है, पढ़ाई के विषय में भी। रोहित को देखकर सुंदर आश्चर्यचकित हो जाता था। उसकी चुस्ती को देखकर सुंदर को जलन होती थी। सुंदर के पिताजी उस गांव के मुखिया थे। वे लोग बहुत अमीर थे। उसके पास बहुत धन दौलत था। उनके घर में बहुत सारे काम वाले रहते थे। सुंदर उनका लाडला बेटा था। रोज उनके घर में तरह तरह के पकवान बनाते थे। सुंदर को उस घर में कोई काम नहीं रहता था, सब कुछ नौकर ही कर देते थे। उसे पढ़ने के लिए बहुत समय रहता था, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था।
हर समय खेलता और सोता रहता था। स्कूल जाने के लिए उसके पिता ने उसके लिए एक साइकिल खरीदा, अच्छे अच्छे कपड़े और जेब भर के पैसे देते थे, फिर भी पढ़ाई में पीछे रह जाता था। रोहित से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं थी। रोहित को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वह फटे कपड़ों में ही आता था। वो रोज मिर्ची बात लेकर आता था, उसे देखकर सुंदर को गिन आती थी। चीची, ऐसा गंदे कपड़े पहनकर ऐसा भोजन करने के बजाय अच्छे से नहीं रह सकते क्या? दोस्त, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए हमें ऐसा ही रहना पड़ता है। फिर भी गरीबी पढ़ाई के लिए विघ्न नहीं है। सुंदर को रोहित की गरीबी पर गिन आती थी, उसे वह अपने घर के नौकरों से तुलना करता था। रोहित किसी भी तरह से मेरी बराबरी नहीं कर सकता, केवल पढ़ाई के सिवा, ऐसा घमंडी सुंदर सोचता था। सुंदर अपने तरह अमीर वेंकट के साथ दोस्ती करता रहा। स्कूल को छोड़ने के बाद वेंकट दूसरी तरफ से अपने घर चला जाता था। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सुंदर को रोहित के साथ ही वापस घर जाना पड़ता था। दोस्त, मैं अपनी साइकिल पर चल जाता हूँ, तुम पैदल चले आना, ठीक है? इस तरह सुंदर अपनी साइकिल पर चला जाता था, फिर भी रोहित कभी इस बात को मन में नहीं लेता था। एक दिन सुंदर साइकिल से आते हुए गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। रोहित उसे अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाकर उसे वापस घर ले जाता है। घायल होने के कारण सुंदर को एक सप्ताह तक स्कूल नहीं जाना पड़ा। रोहित रोज स्कूल से वापस आते समय सुंदर के घर जाकर हालचाल पूछता था। तुम्हारे घर में तो बहुत नौकर चाकर है, तुम लोग बहुत अमीर भी हो ना? हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे तरह के बहुत परिवार हमारे घर के अंदर जी रही हैं। अगर पैदा ही होना है तो हमारे जैसे अमीर घर में ही पैदा होना चाहिए। सुंदर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह सुंदर अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करता था, हर समय रोहित को नीचा दिखाता रहता था। सुंदर के घायल होने की बात रोहित के द्वारा सुनकर भी वेंकट एक बार भी सुंदर से मिलने नहीं गया। सुंदर के कब्र भेजने से ही वेंकट उसे देखने गया। वेंकट उसे देखकर तुरंत चला गया। सुभद्रा भैंस के दूध बेचकर आने वाले पैसों को खर्चा किए बिना एक जगह जमा करने लगी। उन पैसों से अपनी पति की इलाज करवाना चाहती थी। उन पैसों से एक आयुर्वेद वैद्य को बुलाकर इलाज करवाने लगी। कुछ ही दिनों में शंकर की हालत सुधर गई और वो चल फिरने लगा। इससे सुभद्रा और रोहित बहुत खुश हो गए। आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से उन गलत आदतों को अपनाएं। अब से मैं तुम दोनों को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन शराब पीने नहीं जाऊंगा। अपने पति में ऐसा बदलाव देखकर सुभद्रा फूली नहीं समाई। उस दिन से शंकर बहुत मेहनत करने लगा। रोहित अपने माता पिता के दुख देखकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। उस साल रोहित मंडल स्थायी में पहला स्थान पाया। तब पाठशाला के प्रधान अध्यापक उनके घर आए और ऐसा कहा, तुम्हारा बेटा हीरा है, उसे अच्छी तरह पढ़ाई है, वो जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन उसे आगे पढ़ने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अभी तो कैसे तैसे पढ़ाई चल रही है, लेकिन इससे आगे कैसे पढ़ा पाऊंगा? उसकी पढ़ाई के लिए हम कुछ भी करने का तैयार है। उसके आगे की पढ़ाई के बारे में हम ज्यादा मत सोचिए। रोहित की पढ़ाई की जिम्मेदार मैं लेता हूँ, क्योंकि वो कल का दिया है, इसीलिए मैं ही उसे पढ़ाऊंगा। प्रधानोध्यापक ने ऐसा वचन दिया। एक दिन एक पत्रिका में व्यास रचना की आयोजित की गई। उस व्यास का शीर्षक था किसान की महत्व। रोहित ने अच्छा सा निबंध लिखा। सकल जन के पेट भरने वाले किसान, ऐसा शीर्षक देकर उसने निबंध लिखा। उस निबंध को प्रथम बहुमति प्राप्त हुई, इसके लिए उसे इनाम भी मिला।
सुंदर का लिखा निबंध का कोई अहमियत नहीं मिला। स्कूल में भी सभी ने रोहित की प्रशंसा की। इस तरह रोहित खेल कूदने में, पढ़ाई में और गाने बजाने में भी आगे बढ़ा। दिन प्रतिदिन उसकी ज्ञान बढ़ती गई। इसे देखकर सुंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। दूसरे दिन से सुंदर अपनी घमंड और अहंकार छोड़कर रोहित के साथ मिलजुल कर रहने लगा। इस दुनिया में महान कौन है? अच्छे रास्ते में चलने वाले और सबकी पेट भरने वाले किसान। रोहित के इस समाधान से प्रधान उपाध्यक बहुत खुश हुआ। शाबाश। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे व्यवहार भी होना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन रहता था। उसका एक पैर नहीं था। उसे एक मृग के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। खेलने के लिए और खाने के लिए दोनों साथ जाते थे। उस जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह मिलजुल कर रहते थे। दोस्त, मुझे इस नदी में तैरने का मन कर रहा है। मुझे तुम्हारी तरह दौड़कर, उछलकर, खेलने का मन कर रहा है। लेकिन क्या करें, भगवान ने मुझे एक विकलांग की तरह पैदा किया। दोस्त, तुम ऐसा उदास मत रहो। बड़ों ने कहा है, हमें अपनी कमियों को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए। तो तुम मुझे तैरना सिखाओगे? तुम्हारे तो एक पैर नहीं है ना, चारों पैरों को मार कर ही तैर सकते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम मुझे तैरना सिखाओ। मृग हिरन को पानी में उठाकर तैरना सिखाने लगी। लेकिन हिरन तैर नहीं सकी और पानी में डूब गई। तुरंत मृग ने हिरन को बचा लिया। देखा क्या हुआ, जो काम तुमसे नहीं होता तुम वही करना चाहते हो। अगर मैं वहाँ नहीं रहता तो तुम मर चुके होते। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। हिरन को देखकर जंगल में कुछ जानवर, सांप, गिदड़, शेर, बाज वगैरह उसकी मजाक उड़ाते थे। लंगड़े हिरन। तुम्हें हमारी तरह अकड़ से पैदा होने चाहिए, ना कि लंगड़ों की तरह। ऐसे विकलांग लोग माता पिता के ऊपर बोझ होते हैं। लंगड़े हे 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 लंगड़े हे हे। उन जानवरों को इस तरह चिढ़ाने से हिरन को बहुत दुख हुआ और रोने लगा। रोते रोते वही बैठ गई। तुरंत जाकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने तुरंत जंगल के राजा सिंह से इस बारे में शिकायत की। दूसरे दिन सिंह ने एक सभा का आयोजन किया। उसने ये निर्णय लिया, उन जानवरों को दो दिन तक अन्न और जल ना देकर उन्हें एक गुफे में बंद कर दिया। आगे से कोई भी उस हिरन के साथ ऐसा सालूक किया तो उन्हें इसे भी बड़ा दंड दिया जाएगा, समझे? इस बात को सुनकर सभी जानवरों ने सिर हिलाया। मृग समझ गया कि हिरन को तैरना बहुत पसंद है, इसीलिए वह रोज उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी में तैरने लगा। इससे हिरन बहुत खुश हुआ। लेकिन हिरन को अपने ऊपर बहुत तरस आता था, इसीलिए रोज उस जंगल में स्थापित किया हुआ देवी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करती थी। देवी माँ, मुझे अपने पैर ना होने का गम नहीं है, लेकिन बाकी जानवर जो मुझे चिढ़ाते हैं उससे मुझे बहुत दुख होता है। तुमने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया माँ? अपंगता शरीर को होता है, मन को नहीं। तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। शत्रु को भी तुम प्यार करते हो। इस जन्म के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? दो दिन के बाद बाहर आए सांप, बाज, भैंस, गिदड़ वगैरह हिरन पर बहुत गुस्से थे। हिरन उन्हें देखते ही प्यार से उनसे बात करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो मित्र। जानवरों ने उसे अनसुनी कर वहां से चले गए।
दूसरे दिन मृग कहीं दिखाई नहीं दिया। हिरन बहुत चिंतित होने लगी। इस बात की खबर राजा सिंह को लगी। सिंह ने फिर से सभा का आयोजन किया। कल से मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। किसी को बताए बिना कहाँ गया होगा? मुझे तो इस लंगड़े हिरन पर ही शंका है। इन लंगड़े और अंधों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पर विश्वास मत कीजिए महाराज। उस लंगड़े हिरन से पूछताछ कीजिए, जरूर सच कहा पता चलेगा। हाँ, उसे मार पड़ने से सब कुछ बता देगी। हिरन को पता चल गया कि वो जानवर पुरानी बातों को मन में रखकर उसके ऊपर ऐसी शिकायत कर रही है, फिर भी वो चुप बैठी रही। हाँ, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, तुम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम दोनों साथ ही घूमते थे। तुम्हें बताए बिना मृग कहीं नहीं गया होगा। बताओ, मृग कहाँ गया? मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको जितना मालूम है मुझे भी उतना ही मालूम है। कल से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। उसने मृग के साथ जरूर कुछ किया होगा। तुम दोनों में अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए तुम पर शंका कर पड़ रहा है। तुम्हें बताए बिना वह मृग कहीं नहीं जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मुझे 2 दिन के लिए मोहलत दीजिए, मुझे पूरे जंगल में उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मैं नहीं ला पाते तो आप मुझे दंड दीजिए। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर मृग ना मिला तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। समझ में आया? तुम जितना भी ढूंढ लो वहाँ मृग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। उस गुफा में उसे अन्न जल नहीं मिलेगा, जिससे वो 2 दिन में मर जाएगा। जिससे हिरन को दोषी बनाकर मरण दंड दिलाऊंगा। हिरन से पीछा छूट जाएंगे। पुराने बातों को मन में रखते हुए सांप, भैंस, बाज और शेर ने मिलकर उस मृग को बांध कर दूर एक गुफे में छुपाया। उसे अन्न पानी नहीं दिया। उस गुफा के आगे बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि वो बाहर ना आ सके। 2 दिन से कुछ ना खाने से मृग बहुत कमजोर हो गया। बेचारा हिरन मृग की खोज में पूरा जंगल घूमते रहा। पूरे दिन लंगड़ाते हुए जंगल का कोना कोना चांद मारा। आखिरकार उसे मृग उस गुफा में दिखाई दी। वहां कोई भी नहीं था। हिरन गुफा में जाकर उस मृग का रस्सी खोल दिया। इतने में शेर, गेदड़ और बाज आकर उन पर हमला बोल दिए। हिरन और मृग ने भी उन पर हमला किया। इतने में सांप ने आकर मृग को काटने की कोशिश की। हिरन आगे आकर उसने अपना लंगड़ा पैर आगे कर दिया। सांप ने उसका लंगड़ा पैर काट दिया। मृग ने तुरंत हिरन को अपने ऊपर उठाकर बाहर की ओर दौड़ लगाई और जंगल के पत्ते लाकर उसके मुंह में डाला था कि जहर का असर ना हो सके। जहर का असर उस पैर पे होने के कारण वैद्य जिराफ ने उस पैर को काट लिया। कुछ दिन के बाद हिरन की स्वास्थ्य में सुधार आ गई। चलो दोस्त, हम राजा को बताते हैं कि उन दुष्ट लोगों ने मेरा अपहरण किया। उनको सजा मिलने से ही वो सुधरेंगे। मित्र शांत हो जाओ, उन लोगों ने गलती से जो किया सो किया। इस बार हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, इस बात को यहीं पर भूल जाते हैं। सांप, बिदड़, शेर, भैंस और चील दूर से छुपकर उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने मुझे 2 दिन तक कैद किया और खाने के लिए भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसका दोष तुम पे दिया, तुमको मालूम है। ये सच है कि उन्होंने गलती की है, इस बार उन्हें माफ कर देते हैं। अच्छाई के भी हद होती है दोस्त, हमारी अच्छाई उन्हें बेवकूफी नजर आ रही है। मुझे बचाने के लिए तुमने अपना आधा पैर भी गवा दिया। इतने में जो जानवर छुपकर उनके बातों के सुन रहे थे आकर दोनों के पैर पर गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। इतना सब कुछ होते हुए भी आप लोगों ने महाराजा की शिकायत नहीं की। आपकी अच्छाई के लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उस दिन से सब मिलजुल कर रहने लगे।
कामरूप ने राजा से कहा कि वह गलती से रास्ता भूलकर दूसरे जंगल में चले गई थी। कुछ दिनों में चमत्कार हुआ और हिरण का पैर वापस लौट आया। हिरण बहुत खुश हुई और देवी माता की शुक्रिया अदा की। हिरण चारों पैरों से खुशी खुशी उछलते कूदते जिंदगी बिताने लगी। आपने देखा किस तरह से हिरण ने अपनी अच्छाई से शत्रु को भी मित्र बना लिया। एक गंदगी की ढेर में दो मच्छर रहते थे। वे अच्छे दोस्त थे। दोनों मिलजुल कर अपने लिए आहार का इंतजाम करते थे। एक बड़ी गंदगी की ढेर में उनका निवास है। उसमें तरह तरह की मच्छर रहती थी। सभी अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। बगल के गांव का गंदा पानी बहकर गांव से दूर उस गंदगी की ढेर में मिलती थी। वह गंदगी का ढेर मच्छरों का निवास बन गया। एक लंबी मूंछों वाला मच्छर उन मच्छरों का नेता था। सभी मच्छर उस नेता मच्छर की आज्ञा के पालन करते थे। अचानक नेता मच्छर को समाचार मिला कि कुछ मक्खियां उस गंदगी के ढेर पर कब्जा करने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तुरंत नेता मच्छर ने एक सभा का आयोजन किया। इस गांव की स्थापना के साथ ये गंदगी का ढेर भी हमारे लिए बना है। युगों से ये गंदगी का ढेर हमारा निवास स्थान बना है। उन दुष्ट मक्खियों की आंख इस गंदगी के ढेर पर पड़ी है। तो फिर हम क्या करें नेताजी? हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना है। आज से ही आप लोग उसकी तैयारियां शुरू कीजिए। वे लोग किसी भी समय हम पर हमला बोल सकते हैं। जो आपकी आज्ञा नेताजी, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, क्या करें? हमारे चोंच ही हमारे अस्त्र हैं। वो मूर्ख मक्खियाँ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उस दिन से मच्छर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम करने लगे। दिन भर गंदगी की ढेर में आराम करते थे। रात होते ही गांव में जाकर मनुष्यों का खून चूसते थे। एक दिन मच्छरों पर मक्खियों ने हमला बोल दिया। मच्छरों ने अपनी चोंच से उन मक्खियों को मार गिराया। अंत में मच्छरों की जीत हुई। जीत की खुशी में मच्छरों ने त्योहार मनाया। मच्छरों से तंग आकर गांव के लोगों ने मच्छरों को मारने के लिए अपने अपने घरों में नीम की पत्तियों का धुआं लगाया। उस धुएं को मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सके और कुछ दिन तक उस गांव की ओर जाना बंद कर दिया। गांव के लोग नीम का धुआं देकर हमें वहां आने से रोक रहे हैं, इसलिए कुछ दिन तक कोई उस गांव की तरफ मत जाइए। नेताजी, हमारे और हमारे बच्चों का भोजन का क्या होगा? हम भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे का क्या? आज से सब शाकाहारी भोजन कीजिए। बच्चों को भी उसकी आदत डालिए। उस दिन से एक सप्ताह तक सभी मच्छर काई खाकर जीवन बिताने लगे। लेकिन दो मच्छर दोस्त किसी को बताए बिना रोज राजभवन जाकर राजकुमारी की खून चूसने लगे। राजकुमारी का खून उनको बहुत अच्छा लगता था। पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए हमें इतना अच्छा आहार मिला। रोज हमें भरपेट मिलता है। राजकुमारी जितनी सुंदर है, उसका खून भी उतना स्वादिष्ट है। इस बात को हम दोनों के बीच में ही रहने दो। किसी के सामने मुंह मत खोलना। अगर उन्हें भी पता चल गए तो सब यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ भी नीम के पत्ते की दुआ दे दी जाएंगी। समझ में आया? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम दोनों ही उसका स्वाद लेंगे। इसी तरह दोनों मच्छर रोज सबसे आंख चुराकर राजकुमारी के मंदिर में जाकर उसका खून पीते थे। राजकुमारी गहरे नींद में रहने से वे दोनों जाकर उसका खून पीकर चुपचाप वापस चले जाते। रोज रात एक चोर राज में घुसकर कुछ ना कुछ चुराकर भाग जाता था।
उसे देखकर दोनों मच्छरों को सहर नहीं हुआ। देखा मित्र, उस चोर की बदमाशी, रोज आकर चोरी कर रहा है। हाँ, ये चोर बहुत चालाक है। उसको इस तरह छोड़ देने से रोज चोरी करके इस राज्य को बर्बाद कर देगा। इस चोर को कैसे पकड़े हैं? इस तरह दोनों मच्छर बहुत देर तक सोचने लगे। दूसरे दिन आधी रात को दोनों मच्छर उस चोर पर नजर रखने लगे। चोर आकर इस बार गहने लेकर चुपचाप भागने लगा। हे भगवान, चोर आकर चोरी कर भाग गया और हम देखते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। जाकर उसे काटते हैं, चलो। दोनों मच्छर जाकर उस चोर के कंधे पर बैठकर काटने लगे। बहुत खून चूस लिए। चोर अपने कंधे की जलन को अपने हाथों से मलता हुआ चला गया। बेचारे मच्छर उस चोर के खून से आए तंबाकू के महक से उनका जीभ खराब हो गया और दोनों ने उल्टी कर दी। चोर जितना कमीना है उसका खून भी उतना गंदा है। मेरा जीभ पूरा खराब हो गया है। अगर उसे किसी तरह की बीमारी हो तो हम भी बीमार हो जाएंगे। उफ, मेरा जीभ बहुत खराब हो गया। दोनों तुकने लगे। किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा ली। एक दिन एक मच्छर ने इन लोगों को रात में बाहर जाते हुए देख लिया और उसने नेता मच्छर से शिकायत की। तुम्हें मालूम है वो कहाँ जा रहे हैं? उन्हें लेकर आओ। तुरंत उन दोनों मच्छरों को नेता के सामने लाया गया। तुम दोनों के ऊपर शिकायत आया है कि तुम दोनों रात को कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बताओ। दोनों मच्छरों को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए थोड़ी देर चुप हो गए। तुम्ही से पूछ रहा हूँ, कुछ बोलो। वो क्या छुपा रहे हो, सच बताओ। सच बोलने से आपको किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। दोनों मच्छर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बिचारों को सच बताना पड़ा। हम दोनों रोज राजभवन जा रहे हैं। राजकुमारी का खून स्वादिष्ट है, इसीलिए हम लोगों को उस खून की आदत पड़ गई। हमें क्षमा करो महाराज। आपको बताए बिना वहाँ जाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तुम लोग गलत काम कर रहे हो। तुम लोग सिंह के मुंह में अपना सर रख रहे हो। गांव में किसी के भी घर जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राजभवन में जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। मालूम है, वो लोग इन लोगों से ज्यादा चालाक है। हमारे नाश के लिए वे लोग मच्छरदानी और तरह तरह के धुआं का प्रयोग कर रहे हैं। मालूम है, आगे से वहाँ नहीं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। समझ में आया? ठीक है प्रभु, ठीक है। उस दिन से दोनों मच्छर अपने प्रभु की आज्ञा अनुसार राजभवन जाना छोड़ दिया। उन्हें कीचड़ खाने से उनका जी मचल रहा था। मित्र, मुझे कीचड़ खाना एकदम पसंद नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छी छी। मेरा भी वही हाल है, क्या करें, प्रभु की आज्ञा का पालन हमें करना ही होगा। तो क्या हम भूखे रह जाएंगे? तो क्या करें? तो हम लोग चुपचाप वहाँ जाना शुरू कर देंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। नहीं मित्र, बड़ों की बात अनसुनी करके जाने से हमें बहुत नुकसान होगा, मालूम है? वो सब मुझे नहीं मालूम, उनकी बात रखने के लिए मैं भूखा नहीं रहना चाहता। समझ में आया? नहीं दोस्त, थोड़े दिन रुक कर देखते हैं। कुछ दिनों में इस गांव में बहुत सारे जानवर और घोड़े आ रहे हैं, तब हमें खाने को बहुत मिलेगा। तब तक मैं सह नहीं कर सकती। उस तरह वह मच्छर उसकी बात ना मानते हुए अपने दृढ़ पर अड़ी रही। पहले दोनों मच्छर साथ जाते थे, लेकिन वो अब अकेले जाने लगा। बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए एक मच्छर चुपचाप रह गई। दूसरा मच्छर रोज राजभवन में जाने लगी। उस दिन दीड़ मच्छर राजभवन गई
उसके पीछे वो चोर भी राजकुमारी के कक्ष में घुस गया। उसे देखते ही उस मच्छर को सिर से पांव तक गुस्सा आया। ए चोर, तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारे अंत देखूंगी। आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। मच्छर उपाय सोचने लगी। राजकुमारी चादर ओढ़कर सो रही थी। चोर अलमारी की चाबी निकालकर अलमार खोलकर उसमें रखा हुआ जेवर अपने तैली में डालने लगा। तुरंत मच्छर राजकुमारी के कान के पास जाकर अपनी भाषा में गुनगुनाने लगी। उस गुनगुनाहट से राजकुमारी की आंख खुल गई और पास में चोर को देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी। तभी सैनिक दौड़कर आए और उस चोर को पकड़ लिया। तब मच्छर खुशी से फूले नहीं समाई और उछल उछल कर नाचने लगी। उस चोर से पीछा छूट गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा सोचकर राजकुमारी के कान के पास जाकर धन्यवाद बोलने के लिए सोची। राजकुमारी के कान के पास जाकर गुनगुनाने लगी। गहरी नींद में राजकुमारी ने अपने गाल पर थप्पड़ मारा। उसके हाथ और गाल के बीच चोट लगकर मच्छर मर गया। चोर को पकड़ने वाली मच्छर का काम भी तमाम हो गया। बड़ों की आज्ञा का पालन ना करने का फल उस मच्छर को मिल गया। शहर से दूर एक बहुत ही घना जंगल था। वहाँ सिंह, बाघ, बंदर, चीता, हिरण, सांप और कई जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ एक सांप भी रहता था। सांप बहुत बड़ा था। वो सांप अपना भूख मिटाने के लिए रोज एक जानवर को खा लेता था। उस तरह से खरगोश, हिरण जैसे जानवर गायब होने लगे। बाकी सब जानवर एक जगह मिलकर उस बारे में बात करने लगे। हमारे बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? शायद कोई शेर या बाघ खा रही होगी। तभी वहाँ सांप आकर बिल्कुल भोली बनकर इस तरह से बोली, ये काम जरूर कोई शेर या बाघ का है। इस तरह सोचकर सभी जानवर उस दिन से सावधान होकर रहने लगे। मगर सांप अपना काम करते जा रहा था। रोज अकेले मिलने वाले जानवर को निगलकर एक पेड़ से अपने आप को लपेट लेता था। पेट में पचने के बाद फिर वापस आ जाता था। जानवर बहुत परेशान होने लगे। एक दिन अचानक हिरण ने देखा कि सांप एक खरगोश को निगल रहा है। पापी, तो ये तुम्हारा काम है? सभी जानवरों को खाकर कितनी मासूमियत दिखा रही हो। तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा, तुम्हारी अकल टिकाने लगाना पड़ेगी। ऐसा सोचकर हिरण इस बात को शेर के पास ले जाकर बताता है। शेर सांप को बुलाकर ऐसा कहता है, तुमने बहुत जानवरों को खाया है। सभी जानवरों को खाने का हक तुम्हें नहीं है। उसी तरह तुम्हें जंगल में रहने का हक भी नहीं है। तुम्हें मरण दंड ही मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हें माफ कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। कल से तुम इस जंगल में नहीं रहोगे, समझ आया? ऐसा कहकर शेर ने दहाड़ मारा और जानवरों ने उस सांप को अच्छी तरह से मारकर उस जंगल से बाहर भगा दिया।
सांप उनसे हारकर चुपचाप वहां से चला गया। सांप को कोई और रास्ता दिखाई दिया और बहुत दूर चला गया। उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। उसने दरवाजा टोका। उधर से एक बंदर आया और पूछा, क्या बात है? मित्र, सादर प्रणाम। मैं अभी बहुत मुसीबत में हूँ, किसी तरह आप ही मुझे रक्षा कर सकते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है, किसी तरह से मेरी मदद कीजिए। उस बंदर को सांप की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके दो बच्चे भी थे। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, हे भगवान, लगता है तुम बहुत मुसीबत में हो, आओ अंदर आओ। सांप को अंदर ले जाकर पेट भर भोजन खिलाया। सांप पेट भर खाकर अच्छी तरह सो गया। दूसरे दिन जब सांप उठा तो उससे बंदर ने कहा, तुम्हारे साथ ही नहीं है क्या? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ मित्र। अभी मैं यहाँ वहाँ घूमकर दिन बिता रही हूँ। ठीक है, अगर तुम विश्वास के साथ अच्छी तरह रहोगी तो मेरे साथ ही रह सकती हो। मित्र, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे रहने की जगह दी। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात मत करो, तुम अच्छी तरह से विश्वास के साथ रहो। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे पास विश्वास के साथ रहूंगा। उस दिन से सांप बंदर के घर रहने लगा। बंदर सांप पर विश्वास करने लगी। रोज सुबह बाहर जाकर कुछ ना कुछ खुद खाकर शाम को वापस आ जाता था। तब तक बंदर भी लौट आती थी। तब तक बंदर के दोनों बच्चे घर में ही रहते थे। वापस आते समय बंदर अपनी बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी, वैसे ही सांप को भी खाना देती थी। कुछ दिन बाद बंदर जंगल में जा रही थी, तभी उसे एक खरगोश दिखा। खरगोश बंदर की बाल्य मित्र थी। उसे देखते ही बंदर खुशी से फूला ना समाया। कितने दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हुए मित्र, इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी पता नहीं चला। क्या करें मित्र, पापे पेट का सवाल है, किसी तरह इस जंगल में ही रहती हूँ। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? क्या बताऊँ मित्र, बहुत दिनों बाद पैदा हुए मेरे दोनों बच्चों को सांप ने निगल लिया, मुझे भी खाने वाली थी। क्या उसे तुमने कुछ नहीं किया? जंगल के राजा शेर उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। उसके जाने के बाद जंगल में सभी शांति से रहते हैं। ठीक है, अब अपने बच्चों के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं। आजकल मुझे एक सांप से अच्छी दोस्ती हो गई है, वो भी बहुत अच्छी है, वो विश्वासी है। तो ऐसी बात है, तब तो तुम्हारे घर आना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। खरगोश को बंदर अपनी घर ले गई। घर जाके खरगोश उस सांप को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बंदर को बगल में बुलाकर कहा, मित्र वो वही सांप है, उसने मेरे बच्चों के साथ साथ और बहुत सारे जानवरों को खाया। तुम उसे ही अपने घर में रखे हो, मेरी बात सुनो और उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान गवाह होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करे, सांप ने भी गलती की होगी, लेकिन वो बदल गया। वो सब तुम्हारा अंधविश्वास है, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए उसने कुछ उपाय सोचा है। कृपा करके मेरी बात सुनो और उसे घर से बाहर निकाल दो। मित्र तुम उसकी चिंता मत करो, सांप
हमें कुछ हानि नहीं करेगा। ठीक है, इतना कुछ कहने के बाद भी अगर तुम नहीं सुनते हो तो जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ, सावधान। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से गुस्से से चला गया। खरगोश की कहने के बावजूद भी बंदर उस सांप पर पूरा विश्वास रखने लगी। सांप भी उतने ही विश्वास के साथ रहने लगा। सांप के व्यवहार से बंदर को उसके ऊपर और विश्वास हो गया। एक दिन हर रोज की तरह बंदर खाने की खोज में बाहर गया। बाहर जाने के बाद सांप को अपने पुराने आदतों की याद आई। घर में खेल रहे बंदर के बच्चों को खाकर वहां से बाहर चला गया। शाम को घर लौटे बंदर को उसके बच्चे नहीं दिखे। बंदर को बहुत चिंता हुई। उसने सब जगह खोजा, कहीं भी उसके बच्चे नहीं दिखे। उसने तुरंत खरगोश के पास जाकर अपनी बच्चों के बारे में बताया। मित्र, क्या तुमने मेरे बच्चों को आते हुए देखा? नहीं तो? तो फिर कहाँ चले गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सांप घर में ही है? नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो जरूर उस सांप ने ही काया होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने उस दुष्ट सांप को घर में ही रखा। अब क्या कर सकते हैं? बंदर खरगोश की बात अनसुनी कर घर वापस आई। रात भर बंदर ने बहुत रोया। सांप आधी रात को घर वापस आया। खरगोश की उतने बताने पर भी उसे सांप पर भरोसा था। उसने सांप को अपने बच्चों के बारे में बताया। सांप ने चुपचाप बंदर की बात सुनी और एक भोले सांप की तरह रोने लगा। बंदर रोते रोते सो गई। बंदर को सोता देख सांप ने ऐसा कहा, उफ, बंदर को मेरे ऊपर शंका नहीं हुई। आज मैंने उसके बच्चों को खाया, कल या परसों उसे भी खा लूंगा। सांप की बातों को बंदर चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर में सांप सो गया। सांप के सोने के बाद बंदर गुस्से से उस सांप को देखी और सोचा कि उसकी प्यारे बच्चों को खाने वाले इस दुष्ट सांप को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लाकर उसके सर पर पटक दिया। सांप मर गया। बंदर ने तुरंत उस घर को आग लगा दिया। बेचारा बंदर रोते हुए अपने मित्र खरगोश के पास जाकर पूरी बात बताई। सांप को मारने की बात सुनकर खरगोश बहुत खुश हुआ। उस दिन से बंदर और खरगोश मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगे। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह पैसे उधार में देकर ब्याज वसूल करता था, यही उसका व्यापार था। वो बहुत ही बड़ा मूर्ख और दयाहीन व्यक्ति था। एक बार उसके पास जो उधार लेता सारा जिंदगी कर्जदार ही रह जाता। वह बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था। वो ब्याज को चुकाना बड़ी मुश्किल काम था। उसके ब्याज दर बहुत ज्यादा थे। गांव में जो भी मुश्किल में रहता वह व्यापारी के पास अपने खेत, सोना और धन गिरवी रखे उधार लेते। ऐसा कुछ ही सालों में कई लोगों का जायदाद उसने अपने नाम कर लिया। लोगों को भी ये पता था पर मजबूरी में इससे उधार लेते थे। उसी गांव में व्यापारी के घर के सामने एक गरीब आदमी हरी अपने बीवी के साथ एक पुराने झोपड़ी में रहता था। अचानक उस गांव में अकाल पड़ गया। उस गरीब हरी को पैसे की जरूरत आ पड़ी। हमें किसी भी हाल में
व्यापारी से उधार नहीं लेना। एक बार उससे उधार लेंगे तो उसका उधार कभी भी नहीं चुका पाएंगे। काफी दिन बीत गए मगर हरी के मुश्किलात दूर नहीं हुए। आखिर उसे व्यापारी से उधार लेना ही पड़ा। उस व्यापारी के पास जाकर, सेठ जी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत आ पड़ी है, मैं आपके पास उधार लेने आया हूँ। देखो हरी, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। हमारे गांव के अकाल के कारण मेरे पैसे भी पूरे खर्च हो गए हैं। तुम मेरे बहुत दिनों से पड़ोस में रह रहे हो, मैं तुम्हारी परेशानियां समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। 3 महीने में तुम्हें उधार चुका देना होगा, नहीं तो तुम्हारा घर कब्जा कर लूंगा। व्यापारी को हरी के बारे में पता था, वो पैसे नहीं लौटा पाएगा, ये सोचकर उसने हरी को उधार दिया और काफी सारे शर्त बताए। आपने मेरे परेशानी को समझकर मुझे उधार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका उधार मैं 3 महीने में चुका दूंगा। व्यापारी से पैसे लेकर हरी अपने घर की ओर लौटा। हरी के घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। हरी हर दिन उस पेड़ को पानी देता था। अकाल के बावजूद भी हरी उस पेड़ को पानी डालता था। उस पेड़ पर बहुत ही मायावी जिन रहता था। हरी जो पानी पेड़ को हर दिन डालता, जिन वो पानी पीकर अपना प्यास बुझाता था। ऐसे काफी दिन बीत गए। उस जिन को हरी के प्रति बहुत ही प्रेम आ गया। ऐसे 3 महीने बीत गए मगर हरी उस व्यापारी का उधार नहीं चुका पाया। जैसे ही 3 महीने खत्म हुए, व्यापारी हरी के घर आया। 3 महीने बीत गए, तुमने उधार नहीं चुकाया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं तुम्हारा घर जब्त कर रहा हूँ। ये बात सही है कि मैंने आपका उधार नहीं चुकाया, पर मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़े दिन और दीजिए, मैं जरूर आपका उधार चुका दूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए। ठीक है, तुम समय मांग रहे हो इसीलिए मैं मना नहीं कर सकता। तुम दिन भर इस घर में नहीं रह सकते हो, रात को सोकर दिन में मुझे वापस सौंपना पड़ेगा। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो रहो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। हरी के पास और कोई चारा नहीं था। उसकी बीवी को तकलीफ ना हो, इसीलिए हरी ने व्यापारी के शर्तों को माना। उस दिन सारी रात हरी और उसकी पत्नी दुख के साथ जागते रहे। पेड़ पर रहते हुए जिन को इनका दुख देखकर बहुत बुरा लगा। किसी तरह उसको सबक सिखाना होगा, उसको रास्ते पे लाना होगा। ऐसा सोचकर जिन ने एक थैले में खूब सारा धन भरा और पेड़ से नीचे गिराया। अगले दिन सुबह होते ही पेड़ को पानी डालने के लिए हरी वहां आया और पेड़ के नीचे उस धन को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो खुशी से इधर उधर देखने लगा। इस धन को भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। हरी उस थैले को लेकर घर गया और उसकी पत्नी को दिखाया। आज से हमारे दुख दूर हो गए, उस व्यापारी को धन देकर अपने घर को वापस मांग लेंगे। हरी और उसकी पत्नी दोनों मिलकर व्यापारी के घर गए। सेठ जी, क्या हरी, अपनी बीबी को साथ लेकर आए हो, क्या बात है? मैं आपकी उधार चुकाने आया हूँ, पैसे लेकर मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। हरी के पास वो पैसा देखकर व्यापारी को जलन हुई। इसके पास इतने कम समय में इतना धन कैसे आया, जरूर कुछ बात है। और उस घर को वापस देने के लिए बहुत दुख हुआ। बहुत ही गुस्से से जोर से बोला, कल ही तुम्हारा घर मेरा हो गया था, अब तुम जितना भी पैसे दोगे घर तुम्हें नहीं मिलेगा। व्यापारी की बात सुनकर हरी को बहुत गुस्सा आया।
मेरा घर लेकर आप क्या करेंगे? क्या आप जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे? उसमें आप एक दिन भी नहीं रह सकेंगे। मेरा घर मुझे वापस दे दीजिए। मैं वो घर बिल्कुल नहीं दूंगा। जैसे कि तुमने कहा, मैं जहाँ जाऊंगा घर भी अपने साथ में ले जाऊंगा। मैं अपने साथ ही रखूंगा। उस मूर्ख व्यापारी से और बहस ना करके हरि वहाँ से निकल गया और उस पेड़ पर बैठा हुआ जिन ये सब देख रहा था। किसी तरह वह उस घर को हरि को वापस करे, ऐसा कुछ करना होगा। व्यापारी हंसते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद सेठ को लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पीछे मुड़के देखा तो वो घर उसका पीछा कर रहा था। व्यापारी आश्चर्यचकित हुआ। ये क्या है? ये घर मेरे पीछे ही आ रहा है? ये तो घर है, ऐसे कैसे चल रहा है? व्यापारी डर गया। दौड़ते हुए वो अपनी मकान के अंदर गया। वो घर भी उसका पीछा करते व्यापारी के मकान के अंदर गया। ऐसा काफी समय बीत गया। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। अपनी थकान मिटाने के लिए व्यापारी एक दिन उस पेड़ के नीचे आकर बैठा। उस पेड़ से पत्थर की बरसात होने लगी। ऊपर से क्या गिर रहा है ये देखने के लिए व्यापारी ऊपर की ओर देखा और वो जिन उसे बिना दिखे उसे देख के हंस रहा था। क्या हो रहा है? पेड़ पर से कोई मुझे पत्थर से मार रहा है, पर पेड़ पर तो कोई नहीं दिख रहा। उस हरि के पास कोई जादू है। ऐसे काफी दिन बीत गए पर वो घर व्यापारी का पीछा छोड़ नहीं रहा था। व्यापारी का हाल दिन पर दिन खराब हो गया। सारे गांव वाले ये देखने के लिए व्यापारी के घर आए और उस अजूबे को देखकर वो लोग भी चौंक गए। उनमें से एक बंदा आया और व्यापारी से बोला, ये तो बहुत अजीब है। तुम जाकर किसी मांत्रिक से मिलो, हो सकता है कि मांत्रिक तुम्हारे कुछ उपाय बता दे। व्यापारी को वो बात सही लगी। अगले दिन वो गांव से दूर जंगल में एक तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक को उसने अपना पूरा कहानी सुनाया। तांत्रिक ने अपने आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से व्यापारी के दुख का कारण समझ लिया। फिर उसने आंखें खोली और व्यापारी से कहा, तुमने इस घर को हरि से जबरदस्ती हड़प लिया। उस दिन तुमने बोला कि तुम जहाँ जाओगे उस घर को तुम्हारे साथ ले जाओगे, इसीलिए ये घर तुम्हारे साथ ही आ रहा है। व्यापारी को इसका कारण समझ में आ गया। स्वामी जी, इस मुसीबत का कोई हल बताइए। इस घर को मेरे पीछे आने से रोकिए। अगर तुम उस घर को तुम्हारे पीछे आने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास रखी गांव वासियों के जमीन जायदाद के कागज जलाने होंगी, तभी तुम्हारा इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। व्यापारी ने उस शर्त को मान लिया। तांत्रिक के बातों को नकारते हुए व्यापारी गुस्से से अपनी मकान की ओर चला। उसके बाद व्यापारी की तकलीफ और बढ़ गई और वो घर कई तरीकों से व्यापारी को परेशान करने लगा। एक दिन उसने खाना बनाने के लिए लकड़ियों को जलाया। जितना व्यापारी ने सोचा था, आग उससे बहुत ज्यादा तेज हो गई। व्यापारी डरकर भाग गया। अगले दिन वो पेड़ से फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। पेड़ की डाली टूटी और वो नीचे गिर गया। ऐसे काफी सारी चीजें हो रही थी जो व्यापारी को समझ में नहीं आया। बिचारा खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था और पानी भी नहीं पी सकता। उसकी नींद भी उड़ गई। इतना परेशान हो गया कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ दिन और चले तो वो पागल हो जाएगा। व्यापारी वापस उस तांत्रिक के पास गया और बोला, स्वामी जी, मैं इस रोज रोज के मुसीबत से तंग आ गया हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा। कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ,
तुम्हारे पास जो लोगों के पत्र हैं, उन्हें जला दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। व्यापारी को उस तांत्रिक की बात पसंद नहीं आई, पर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वापस घर गया और उन सारे कागजातों को आग में जला दिया। इसी के साथ उस गांव के सारे लोगों की कर्ज भी उतर गई। व्यापारी का पीछा करता हुआ हरि का घर वापस अपने स्थान पर चला गया। व्यापारी ने चैन की सांस ली। तब तक इतने दिन तकलीफ में दिन गुजारते हुए हरि और उसकी पत्नी वापस अपने घर में आकर बस गए। उसके बाद व्यापारी भी उस गांव के सारे लोगों को बिना ब्याज के ही पैसे उधार देकर बाकी जिंदगी चैन से गुजारने लगा। हरि की इतनी सहायता किसने की ये जानने के लिए हरि भी तांत्रिक के पास गया। स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से किसी की भी शंका दूर कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा उपकार मेरे पे किसने किया, बता सकते हैं? ठीक है। तांत्रिक ने दोनों आंखें फिर से बंद की और हरि को किसने सहायता की ये जान लिया। हरि के घर के बाहर वो पेड़ और उस पे रहते हुए वो जिन दिखे। उन्हें देखकर तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और हरि से कहा, तुम जिस पेड़ को रोज पानी डालते थे, उस पेड़ में एक मायावी आत्मा रहती है, उसी ने तुम्हारी इतनी सहायता की, जाकर उसे धन्यवाद दो। तांत्रिक की बातें सुनकर हरि फौरन ही उस जिन को धन्यवाद कहने के लिए अपने घर के पास गया और जिन से कहा, मित्र, तुमने बहुत सहायता की है, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। वो जिन बहुत ही प्यार से हंसा, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को कोई भी सहायता करेगा। तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल गया ना, जाकर खुशी से रहो। उस दिन से गांव वालों की सारे तकलीफ दूर हो गई और वो लोग आराम से जीने लगे। एक जंगल में एक चूहा और एक गिलहरी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बाज भी उन दोनों का अच्छा दोस्त था। चूहा और गिलहरी एक पेड़ के उत्खनन में रहते थे। उसी पेड़ पर बाज भी रहता था। एक दूसरे के मुसीबतों में सहायता कर वे अच्छे दोस्त बन गए। ये तीनों हर सुबह खाने की खोज में निकलते हैं। और शाम होते ही वापस उस पेड़ पर बैठकर बातचीत करते थे और सो जाते थे। सुबह होते ही फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। कभी कभी उनको जरूरत से ज्यादा भोजन मिल जाता तो उस भोजन को चूहे और बाज के घर में यानी पेड़ के उत्खनन में रखते। अगर किसी दिन उनको भोजन नहीं मिलता तो उस रखे हुए भोजन को तीनों बांट कर खाते। एक दिन बारिश होने लगी। मित्र, ये बारिश 3 दिन तक रोकने वाली नहीं है। हम बाहर जाकर भोजन भी नहीं कर सकते। बाहर जाने से हमारी जान जा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस बचे भोजन को ही खाना पड़ेगा। क्या बोलते हो चूहे दोस्त? दोस्त, मैं क्या कहूँ, आप लोगों की बात 100% सही है। इस तरह वे तीनों बाहर ना जाकर उस घर में रखा हुआ भोजन खाकर ही दिन बिताने लगे। 3 दिन तक बारिश रुकी ही नहीं। उस बारिश में एक भूखी बिल्ली भूख के मारे थरथर कांपती हुई उस पेड़ के नीचे बैठी। बास उस बिल्ली को देखकर अपने दोस्त चूहे और गिलहरी को दिखाया। उन तीनों ने उस बिल्ली पे तरस आ गया। तीनों उस बिल्ली के पास गए। मित्र, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या बताऊं मेरे दोस्तों, इस बारिश में कुछ खाने के लिए ना मिलने से भूख के मारे बुरा हाल हो गया। उस बिल्ली के पास एक अच्छी महक आ रही थी। उसकी ये महक इन तीनों मित्रों चूहा गिलहरी और बास को अच्छी लगी।
ओ, तुम्हारे जैसे लोगों को इतनी परेशानियाँ? आप चिंता मत कीजिए, बारिश रुकने तक आप हमारे घर में रहिए, अपने भोजन की चिंता भी मत कीजिए। बिल्ली ने थोड़ी देर सोचकर उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। उस बिल्ली को अपने घर ले जाकर पेट भर भोजन खिलाकर उसे अच्छी तरह पोंछकर और उसको सुलाया। मित्र बास, लगता है आपके 3 बच्चे भी हैं। गिलहरी दोस्त, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं। और चूहे दोस्त, आपके भी बच्चे हैं। उफ, इस बच्चे वाले घर में मैं आकर आपको तकलीफ दे रही हूँ ना? मित्र, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारी बात सोचो। बिल्ली 3 दिन तक उसी घर में रहकर अच्छे से खाना खाकर फिर से तंदुरुस्त हो गई। 3 दिन तीनों ने मिलकर उस बिल्ली की सेवा की। पहले बिल्ली को खिलाकर, फिर अपने बच्चों को खिलाकर, तब वे खाते थे। इस तरह एक दिन उनका भोजन खत्म हो गया। बारिश में बाहर जाकर खाने के लिए कुछ नहीं ला पाए। उस अतिथि का पेट भरकर खुद भूखे रहते थे। इस तरह 3 दिन बीत गए। बिल्ली पूरी तरह स्वस्थ हो गई। आज शाम को मैं अपने घर चली जाऊंगी। आपके उपकार में कभी भूल नहीं पाऊंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मत कहो दोस्त, मुश्किल में रहने वालों को सहायता करना हमारा फर्ज है। कभी कभी मिलने आया करो मित्र। अपने बच्चों को उस बिल्ली के पास छोड़कर तीनों बाहर गए। बिल्ली बहुत देर तक उस घर में अकेली रही। चूहा, गिलहरी और बास के बच्चों को खेलते हुए देखकर उसके मन में खोट पड़ा हुआ। उसमें से एक गिलहरी का बच्चा एक कोने में छुप गई। इतने ने बिल्ली लालच में आकर बच्चों को खा गई। कोने में छुपी गिलहरी के बच्चे ने सब कुछ देख लिया। बिल्ली धीरे धीरे वहां से निकल गई। शाम को घर लौटने के बाद तीनों ने अपने बच्चों की हड्डियां देखी। उन्हें देखकर वो बहुत डर गई। तभी गिलहरी के बच्चे ने आकर उन्हें सब कुछ बता दिया। तीनों मिलकर रोने लगे। जान से भी ज्यादा प्यार से पालने वाले बच्चों को बिल्ली ने खा लेने से उनको दुख हुआ। बिल्ली ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जिस ताली में खाया उस ताली को ही छेद किया। भूख मिटाने के लिए उसे हम घर ले आए, लेकिन हमें क्या पता था कि वो उतना बड़ा विश्वासघात करेगी। हमारे बच्चों को खाने का श्राप उसे जरूर मिलेगा। उस दिन से तीनों बहुत चौकन्ने रहने लगे। एक दिन अचानक बिल्ली उन्हें दिखाई दी। नमक हराम, मेरे बच्चों को तुमने खा लिया, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। तुमने विश्वासघात किया, क्या ये ठीक है? तुम्हें भूखा देखकर अपने घर ले जाकर हमने तुम्हारी देखभाल की, फिर भी तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने में तुम्हारा दिल कैसे माना? तुमने ये साबित कर दिया कि बिल्ली जात विश्वासघात होते हैं। चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए। आपके बच्चों को किसने खाया मुझे नहीं मालूम, मुझ पर दोष मत लगाइए। गलती करके भी आकर रहे हो, हमें मार कर तो देखो। तीनों मिलकर हम तुम्हें ही मार सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे तरह नहीं है। मत समझो कि हम तुम्हारे तरह निर्दयी है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, दूसरों के साथ ऐसा मत करना। अच्छी सुगंध फैला के जंगल में घूमने वाली बिल्ली, मुझे तुम पर कल तक एक अच्छी राय थी, आज से मुझे तुम पर घिन आ रहा है। तुम्हारे जैसे जानवरों से हमारे जैसे सुगंध फैलाने वाले जानवरों का बात करना ही बेकार है। तुम नीच जाति के जानवर हो, ज्यादा बात मत करो और यहाँ से जाते बनो। उस घमंडी बिल्ली के बातों को सुनकर तीनों वहां से चल गए। ये बिल्ली जंगल के बाकी जानवरों के साथ भी इसी तरह धोखा करने लगी। इस बात सुनकर तीनों मित्र एक जगह मिलकर उस बिल्ली से बदला लेने की तरकीब सोचने लगे। ये बिल्ली हमें ही नहीं दूसरों के साथ भी धोखा कर रही है।
अगर उसका खेल खत्म नहीं किया जाए तो वो और जानवरों के साथ भी वैसा ही करेगी। तीनों ने मिलकर एक तरकीब सोचा। अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे वाले फसाव में चूहा जानबूझकर उतर गया। एक घास को पकड़कर खड़े रहने की तरह नाटक किया। बाज और गिलहरी दोनों पेड़ पर पत्तों के बीच छुपकर देखने लगे। तभी उस रास्ते से कस्तूरी बिल्ली आने लगी। उस बिल्ली को देखकर चूहा नाटक करने लगी। ओ, कोई है, मुझे बचाने वाले कोई है? मैं इस फसाव में डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ। वहाँ आई बिल्ली फसाव में छुपकर देखने लगी। उस फसाव में आधी डूबा हुआ चूहा को देखकर बिल्ली हंसने लगी। मेरी जान को खतरे में देखकर तुम हंस रही हो, मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो, ऐसा हंसना क्या उचित है? हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम्हें बचाऊं? तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? वैसे भी तुमने मुझे बहुत धमकी दी थी, अब क्या हुआ? अभी बात करने का समय नहीं है, थोड़ी देर में मैं डूब कर मर जाऊंगी, मुझे बचाओ दोस्त, मुझे बचाओ। बिल्ली को एक उपाय सूझा। तुम्हारी जान बचाने से क्या तुम मेरा भोजन बनोगी? तभी मुझे बचाने का क्या फायदा है मित्र? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तुम्हारे खाना चाहती हूँ, अगर तुम समर्थ हो तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। चूहे ने थोड़ी देर सोचकर हाँ कर दी। जैसा कि पहले सोचा था, चूहे ने मदद के लिए अपना हाथ बिल्ली की ओर बढ़ाया। उसके हाथ पकड़ते ही चूहे ने जोर के झटके के साथ उस बिल्ली को फसाव में खींच लिया। बिल्ली चप से उस फसाव में गिर गई। ऊपर पेड़ पर बैठे हुए चील और गिलहरी ने एक रस्सी नीचे उतरा। चूहे के उस रस्सी को पकड़ते ही दोनों उसे ऊपर खींचने लगे। बिल्ली अपनी जान के डर से चिल्लाने लगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं डूब रही हूँ, फसाव में डूब रही हूँ। तब तीनों पेड़ पर बैठकर हंसने लगे। अब पता चला विश्वासघात क्या होता है? सब तुम्हारे ही देन है। कैसा लगा हमारा तरकीब? तभी उधर से एक कुत्ता जाने लगा। ओ मित्र, मुझे बचाओ। ठीक है, बचाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे आहार बनोगी? क्या ये उचित है मित्र? क्या ये उचित है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। बिल्ली उस फसाव में और डूबने लगी। कुत्ता उसे बाहर निकालकर मारकर खाने लगी। उस तरह उस विश्वासघात बिल्ली का अंत हुआ। एक गांव में बालू नाम का लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। इन परेशानियों से तंग आकर बालू घर से भाग गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि वो एक जंगल में था। अरे, ये तो जंगल है, इस घने जंगल में मैं कहाँ रहूं? बालू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उससे बहुत भूख लगी थी। कोई फलों से भरा पेड़ होता तो अच्छा होता, फल खाके अपना पेट भरूंगा। वैसे में बालू को फलों से भरे पेड़ दिखे। बालू बहुत खुश हुआ। पेड़ पे लगे फलों को देखकर बालू के मुंह में पानी आ गया। उसने फल खाते हुए पंछी को देखा और सोचा, अरे वो पंछी कितनी खुशनसीब है जो सबसे पहले पेड़ पे लगे फलों को खा रही है। उन स्वादिष्ट फलों को देखकर बालू अपने आप को नहीं रोक पाया और पेड़ पर चढ़ गया।
उसे घोंसले में छोटे छोटे पंछी के बच्चे दिखे। अरे पंछी के बच्चे, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। मेरे जैसे नहीं, उन्हें अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। इनकी माँ इनका अच्छे से ध्यान रखे। बालू ने जी भर के फल तोड़े और एक पत्थर पर बैठ के उन फलों को खाया और खुश हुआ। चलो भूख तो मिट गई, पर अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? इधर उधर देखा तो दूर में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। पानी देखकर बालू बहुत खुश हुआ। वो जल्द ही चलते हुए तालाब तक पहुंचा, पानी पी और प्यास बुझाई। फिर एक पेड़ के नीचे बैठा और फिर थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस किया कि घोंसले में बैठे पंछी के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बालू चौंक गया। शायद उन पंछी के बच्चों को कोई खतरा है, कैसे भी उन्हें बचाना है। उसने देखा कि एक गिद्ध उन बच्चों को काटने की कोशिश की। जब बालू पेड़ पर चढ़ा तो उसे भी गिद्ध ने काटने की कोशिश की। बालू डर गया और नीचे उतर गया। उसे बहुत दुख हुआ। जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब बालू ने भगवान को याद किया। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करो। थोड़ी ही देर बालू डरने लगा। उसने एक गुफा देखा और वहां रहने का मन बनाया। घर पे माँ के अत्याचार से तो जंगल में अकेले रहना बेहतर है, यहीं रह जाऊंगा। गुफा में आराम कर रहे बालू को कोई आवाज सुनाई दी। बाहर शायद कोई रो रहा है, देखते हैं कौन है। जिस ओर से वो आवाज आ रही थी उस तरफ बालू चल पड़ा। वहाँ एक पेड़ पर बंधे हुए व्यक्ति को देखकर चौंक गया। उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ कैसे आए? आपको यहाँ किसने भेजा? मैं एक जादूगर हूँ। कुछ चोरों ने मुझे यहाँ बंदी बनाया। उन्होंने आपको क्यों बंदी बनाया? मुझे उनका राज पता है। वो लोग बहुत बड़े चोर हैं। शहर में सारी चोरियाँ यही करते हैं। उनके राज को मैं खोल दूंगा, इसीलिए मुझे मारकर यहाँ शहर से दूर बंदी बनाया। उनके बारे में राजा को मैं बताऊंगा। मुझे बताओ वो लोग कौन हैं? वो लोग उत्तर की तरफ गए। मेरे पास 3 टोपियाँ हैं। हर टोपी की अलग जादुई शक्ति है। जादुई टोपियाँ? वो क्या है? पहले टोपी लगाते ही तुम गायब हो जाओगे। तुम्हें सब दिखेंगे पर तुम किसी को नहीं दिखोगे। दूसरी टोपी पहनने से 5 गुना ज्यादा लंबे लगोगे, उससे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। और तीसरी टोपी? तीसरी टोपी पहनने से छोटे चींटी की तरह बदल जाओगे। इन 3 टोपियों का इस्तेमाल करके तुम उन चारों को पकड़ सकते हो और उन्हें राजा के हवाले कर सकते हो। फिर आपने ही उन टोपियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप भी उन्हें पकड़ सकते थे। उस समय मैं नहीं पहन पाया, पर तुम बुद्धिमान और साहसी लगे, इसीलिए तुम्हें ये राज बता रहा हूँ। बालू को ये सब सुनके आश्चर्य हुआ, पर वो सोचा कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर यही सच है तो उन चोरों को ढूंढ निकालूंगा। जैसे मैंने कहा वैसा ही होगा। पेड़ से बंधे जादूगर को बालू ने रिहा किया और उससे उन टोपियों को लेकर पहला टोपी आजमाया। जादूगर ने जो कहा वैसे ही बालू गायब हो गया। सारी टोपियों को लेने के बाद बालू ने पहले उन पंछी के बच्चों के बारे में सोचा। इन टोपियों की सहायता से मैं उस गिद्ध को सबक सिखाऊंगा और उन बच्चों को बचाऊंगा। ऐसा सोचकर बालू सीधा उस पेड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उस गिद्ध का इंतजार कर रहा था। जैसा उसने सोचा वैसे ही वो गिद्ध आया।
बालू ने दूसरी टोपी का इस्तेमाल किया। 5 गुना लंबा होकर उसने गिद्ध को मार दिया। फिर उन पंचों के बच्चों को देखकर खुश हुआ। उस समय बालू को असली काम याद आ गया। अब मुझे उन चोरों को पकड़ना है। बालू उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। एक गुफा के पास गया और देखा कि एक चोरों का काफिला वहां रुका हुआ था। उनका सरदार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उस गुफा का दरवाजा खुला। गड़बड़ गुंडा, गुडारी गुहा। वो मंत्र पढ़ने वाला ही इनका सरदार है शायद। कैसे भी इसका राज पता करना पड़ेगा। सब गुफा के अंदर गए, बस एक बाहर रह गया। बालू सीधा गुफा की ओर बढ़ा और दूसरी टोपी पहन ली। आम आदमी से 5 गुना लंबा हो गया। उस चोर को पकड़कर उठाया। बोलो कौन हो तुम लोग? मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ तुम कौन हो। मैं तुम्हें क्यों कुछ बताऊं? मैं इस जंगल का राजा हूँ। जिसने भी मेरा बात ठुकराया है वो मौत का शिकार हुआ। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बोलो तुम कितने लोग हो, यहाँ क्यों आए? नहीं मुझे मत मारो, बताता हूँ। हम पूरे 50 लोग हैं। हम शहर में चोरी करते हैं और यहाँ लाकर छुपाते हैं। हम सबसे पहले जो अंदर गया वही हमारा सरदार है। बालू को अब पूरी बात समझ आई और उन्हें राजा की हवाले करने की निश्चय की। उस चोर को पेड़ से बांधकर तीसरी टोपी तो पहन लिया। तीसरी टोपी पहनते ही वो चींटी की तरह छोटा हो गया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। उसने चोरों की सारी बातें सुन ली। सभी सुनो, ये हमारा शहर में चोरी किया हुआ माल है। हमें और बहुत सारी चोरियां करनी है। सरदार अगली चोरी कहाँ करें? अरे देशद्रोही, तुम लोग शहर में रहकर चोरी कर रहे हो। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कौन हो तुम? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, जरा नीचे देख। नीचे देखा तो सरदार को बालू छोटे से चींटी के आकार में दिखा। बालू को उसने अपने हाथों से ऊपर उठाया। तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हें तो खाने का मन कर रहा है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, वो तुम्हारे साथ खेलेंगे। सरदार हमारा साथी बाहर नहीं दिख रहा, इसने कुछ किया होगा। बोल बालक, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ऐसे पूछने से थोड़ी बताएगा, इसे सबक सिखाओ। वहाँ मौजूद सभी चोर बालू के साथ खेलने लगे। मुझे छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है, रोको ये सब, रोको। अब आया दिमाग ठिकाने पे, बताओ। आपके साथी के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ जादू आता है, करके दिखाऊं? जादू? चलो करके दिखाओ। बालू ने दूसरी टोपी पहन ली और 5 गुना लंबा हो गया। अब मुझे मारो दुष्ट, मुझे परेशान करते हो तुम लोग, मेरे साथ खेलोगे? अब देखो। बालू ने सरदार को पैर से गुफा की ऊपरी भाग की ओर मारा और वहां मौजूद चोरों को भी तंग किया और उन्हें सबक सिखाया। नहीं, हमें माफ कर दो, तुम जैसा बोलो वैसा करेंगे, हमें कुछ मत करो। सारा चोरी का सामान बालू की हवाले कर सरदार बाकी चोरों के साथ गुफा से बाहर निकलने लगा। तब बालू ने पहला टोपी लगाया और गायब हो गया। एक छड़ी ली और चोरों को मारने लगा। चोर परेशान थे कि उन्हें कौन मार रहा है। तब सरदार बोला, वापस आ जाओ, वहाँ गुफा के द्वार पे कोई जादुई शक्ति है। मैं ही हूँ वो शक्ति,
तुम लोगों को ऐसे छोड़ देने से तुम लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। हम क्या करें? सारे मेरे साथ चलो, तुम अपनी गलतियों को राजा जी के सामने कबूल करो, राजा जी तुम्हें दंड देंगे। चोरों को पकड़कर राजा के हवाले करने के लिए बालू को सम्मानित किया गया, काफी सारे तोहफे मिले। उस दिन से बालू की जिंदगी खुशियों से भर गई। सुना है कि एक राज्य में एक राजा रहता था, उसका एक बेटा था सिंधबाद। सिंधबाद के बचपन में ही राजा का स्वर्गवास होने के कारण उसी को अपने परिवार का पोषण करना पड़ा, तो उसने व्यापार करने का ठान लिया। तो इस तरह उसने एक दिन अपने व्यापारिक वस्तुओं को कश्ती में डालकर समंदरी सफर करता हुआ आगे बढ़ता गया, और इस तरह व्यापार करता हुआ लाभ उठा रहा था। कुछ समय तक समंदरी व्यापार अच्छी तरह चलता रहा। बहुत दूर दूर तक सफर करके हम लोग बहुत थक चुके हैं, यहाँ कहीं टिकाना लगा कर आराम कर ले तो ठीक होगा। फिर अचानक उन्हें एक द्वीप नजर आया। लगता है वहाँ एक द्वीप है, चलो वहाँ जाकर सुकून से आराम कर लेते हैं। उस द्वीप का क्या कहना, सुंदर, रमणीयता से भरपूर, दिलकश नजारों से झूमता हुआ प्रशांत है। वहाँ घने जंगल, मीठे पानी के कुएं भी हैं, कई किस्म के फलों के पेड़, बहुत सारे फूलों के जातियों से द्वीप शोभायमान है, परंतु वहाँ कोई मानव उन्हें नजर नहीं आया। यहाँ आसपास में तो कोई नजर नहीं आ रहा। उस प्रकृति से मन बहलाते हुए, तरह तरह के फल खाते हुए, स्वच्छ मीठा कुएं का पानी पीते हुए, सुंदर प्रकृति के देखते हुए आगे आगे बढ़ते गए। पर तब तक सिंधबाद अपने साथियों से बिछड़ कर अकेला हो गया। ये सुंदर प्रकृति मेरे मन को चुरा गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो अपना झुंड से बिछड़ गया, चलो ठीक है, उस पेड़ के नीचे हरियाली में कुछ देर सो जाता हूँ। ये क्या अंधेरा हो गया? अरे मेरी कश्ती कहाँ है? मेरे साथी भी नहीं है। अंधेरी रात में इस सुनसान प्रदेश में अकेला हो चुका हूँ। मुझे अकेला छोड़कर वो लोग चले क्यों गए? अब रात भर ताक ताक कर अकेला ही गुजरना होगा। इस तरह सिंधबाद एक बड़ा और गोल सफेद आकार को देखा। ओहो, लगता है ये एक अंडा है, लेकिन ये अंडा इतना बड़ा क्यों है? मेरा अनुभव का प्रयोग करके पता लगाना होगा। दरअसल वो है क्या पता लगाने के लिए एक घने झाड़ियों की पेड़ पर चढ़कर खोज करने लगा। सुबह हो चुकी, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला सका। इतने में अचानक अंधेरा हो गया। अभी अभी तो सुबह हुई थी, फिर इतने में अंधेरा कैसे हो गया? चीची की एक भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। तुरंत ही सिंधबाद पेड़ों के पीछे छिप गया। सारा आकाश काला हो गया।
एक बड़ी पक्षी उसकी तरफ नीचे आते हुए महसूस किया। तेज रफ्तार से वे पक्षी नीचे आ गई। शायद यही पक्षी है। ऐसी पक्षी के बारे में कहानियों में पढ़ा है, सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। तुरंत उसे एक उपाय सूझा। जल्दी से अपनी सिर की पगड़ी उस पक्षी के पैर से अपने आप को घट बांध लिया। मेरा थोड़ा सा वजन उसके लिए कोई फर्क नहीं। बिना शोर किए होशियारी से चुपचाप रहा। थोड़ी देर में वो पक्षी हवा में उड़ने लगी। उसके साथ वो भी वो आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगी। वो डर गया। वो पक्षी आकाश में उड़ती ही रहा। हाँ, पता नहीं कहाँ जा रही थी ये पक्षी, और ऊपर से ये तेज हवा, ये कहाँ जा रहा है, देखना होगा। किसी तरह अपने आप को संभलता रहा। आखिरकार वो नीचे उतरना शुरू की। ये तो तेज रफ्तार से नीचे उतर रही है, मेरे आंखें चकरा रही है। उसका सिर गिर से घूमने लगा। जल्दी से वे प्रार्थना करना शुरू किया। हे भगवान, मुझे तू बचा लेना। ये पक्षी मालूम नहीं कहाँ जा रही है। मेरी जिंदगी अब तेरी ही हाथ में सौंपता हूँ। फिर पल में वो नीचे उतर गई। एक पल भी देर किए बिना घाट खोलकर उसके पैरों से आजाद हो गया। चारों ओर देखा। वो एक बड़े पत्थरों के पहाड़ का घर है। तुरंत उस घर में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसकी आंखें चमक उठी कि कहां असली और नायाब हीरे जवाहरात धक धक चमकते हुए नजर आए। वो सारा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है। ओहो, ये सब हीरे मोतिया का भंडार है। ये जो देख रहा हूँ, क्या मैं ही हूँ? शायद यही हीरे मोतियों का घर है। वाह, मैं कितना भाग्यमान हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगर इनमें से कुछ हीरे मोती मिल जाए तो मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। इतने में सुरके के साथ जबरदस्त बड़ी तूफानी हवाएं चलने लगी। उधर आवाज की तरफ पलट कर देखा, बस ऐसा लगा कि उसकी दिल की धड़कनें रुक गई। बाप रे, कितना बड़ा भयंकर सांप है। बाप रे, ये तो फन फुलाकर मेरी तरफ ही आ रही है। आज तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। उसके हाथ पैर काम नहीं करने लगे, बेबस हो गया। अचानक वो पक्षी आकर उस सांप के उठा ले गई, जैसे कि उसी का इंतजार कर रही थी। बाप रे, सांप के कतरे से बच गया। पता नहीं इस घर में और कितने देर रहना पड़ेगा, बहुत डर हो रहा है। बित्तर बित्तर होकर घर में अकेला हो गया। वो सारा घर सांपों से भरा भयंकर सा है, लेकिन वो उस पक्षी के डर से दिन में बाहर नहीं निकलते। अंधेरा होते ही अपना प्रताप दिखाते हैं। यदि गलती से कोई सांप बाहर निकल आए तो उस पक्षी का बलि होना ही पड़ेगा। अभी अभी उस सांप का वही हाल हुआ था। वो और डरने लगा। चारों तरफ से खामोशी है। चलो ठीक है, मुझे जो चाहिए हीरे मोती जवाहरात सब चुनकर जुपा लूंगा। बाप रे, भूख से दम निकल रहा, क्या पक्षी नहीं आएगी? इंतजार करूंगा। अचानक गबगड़ कर एक भयानक आवाज सुनाई दी। ये क्या है? ये कोई बेड मांस के मुद्दे जैसा लग रहा है, पर ये मांस का मुद्दा गिर कहां से? इसे कोई फेंका तो नहीं? कहता हुआ ऊपर देखा। उस पहाड़ के किनारे पर कुछ आकारें हिलाते हुए नजर आए। फिर अच्छी तरह गौर से देखा। अरे, वो लोग भी इंसान ही हैं, लेकिन वो लोग ये मांस का मद्दा नीचे क्यों फेंके? उतने में एक बड़ा पक्षी आकर उस मांस के मुद्दे को उठाकर ले गई। वो ऊपर जाते ही जोर जोर से घोपड़े की आवाज, शोर, घड़ी बड़ी कोलाहल
चिल्लाने पुकारने की आवाजें सुनाई दी। वो शोर से वो पक्षी उस मांस के मुद्दे को वहीं छोड़कर चले गए। तुरंत वो लोग उस मांस के मुद्दे को चिपके हुए हीरे मोती ले लिए, फिर उस मांस के मुद्दे को उसी पक्षी के लिए छोड़ दिए। वो हो, ये तो अच्छा उपाय है। हीरे मोतियों के लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है। जब भी हीरों को लेना चाहा, तब मांस के मुद्दे को फेंक देना। इतने में पक्षी आकर उस मांस के मुद्दे को ऊपर लेकर आना। उसको चिपके हुए हीरों का वो लोग ले लेना चल रहा है। हाँ, मुझे भी एक अच्छी तरकीब याद आई। अब दूसरा मांस का मुद्दा गिरते ही उसको चिपक कर मैं भी ऊपर चला जाऊंगा। वो मांस का मुद्दा गिरते ही अपनी सिर की पगड़ी उसे बांध लिया। तुरंत पक्षी आकर उस मुद्दे को उठाकर मार ले जाना हो गया। उसके साथ वो भी ऊपर उड़ गया। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आ सके? इंसान नजर आते ही उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इंसान को देख बिना उसे बहुत दिन हो चुके थे। उसे अपनी कहानी सुनाया, वो किस तरह मुसीबतों का सामना किया और बितर बितर सा कैसे गुजारा विवरण किया। हाँ, ऐसा क्या? अरे रे, यहाँ कैसे रह सके हो? तुम्हारे बारे में सुनकर तरस आ रहा है। चलो हमारे घर चलते है। भैया, तुम मेरा आदर करके, मुझ पर दया करके, मान मर्यादा से खुश किया। तुम्हें ये हीरे देता हूँ, ले लीजिए। कुछ दिनों तक वही गुजारा। उसके बाद उसे अपने घर की याद आई। मुझे अब मेरे घर जाना होगा। पता नहीं घर पर मेरे परिवार वाले कैसे होंगे। मैं अपना शहर जाता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम किसी भी तरह को टोक टोक के बिना जा सकते हो। भैया, मेरे पास कुछ हीरे हैं, आपको बेचकर कुछ पैसे लेना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? उस पैसों से कुछ सामान खरीदूंगा। जरूर दोस्त, तुम्हें जितना सामान चाहिए खरीद लो। फिर एक बार उस भयंकर सांपों के गार को देखने के लिए वहाँ गया सिंधबाद। वो एक बहुत बड़ा गार है। यदि वहाँ से कोई गिर जाए तो मर जाना ही होगा, बचने की कोई संभावना नहीं। बड़े बड़े चट्टानों से झाड़ों विष जीवों से भरा हुआ है। उस पक्षी की वजह से मैं बच गया, वरना मैं उन भयंकर सांपों के बीच मर चुका होता। वो पक्षी मेरी प्राण देता है, क्योंकि उस गार में वही मुझे ले गई, वही बाहर लाकर डाली है। वो पक्षी को लाख लाख शुक्रिया। आखिरकार वो किश्ती पर व्यापार करता हुआ बागदाद नगर पहुंच गया। सुप्रभात साथियों, सब कुछ ठीक है? हमने रात भर नहीं सोया, हम लोग डर से मर रहे हैं। बताओ क्या हुआ? एक दानव जंगल में घुस आया है, वो सभी जानवरों को मारकर खा रहा है।
हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दया करके उसे मारकर हमें बचाओ। ठीक है, चलो। वो उस पार है, अगर हम देखेगा तो हमें कालेगा। इन जानवरों को गागर में डूब गया हूँ, आज तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। उन मासूम जानवरों को खाना अच्छी बात नहीं है। मैं एक दानव हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इतने जानवरों को खाने के बावजूद भी मेरा भूख नहीं मिट रही। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, ये बीमारी ही है, उसका एक इलाज है। बताओ क्या है। नजदीक में एक मगरमच्छ का तालाब है, अगर मैं उस तालाब से 2 मगरमच्छ खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। ठीक है, उस तालाब के पास जाओ और खुद 2 मगरमच्छ पकड़कर खा लो, तुम्हारी भूख और बीमारी दोनों मिट जाएगी। मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो वो बहुत सारे मगरमच्छ मेरे ऊपर वार करेंगे। तुम जाओ और 2 मगरमच्छ को ले आओ। ठीक है, मैं जाऊंगा और 2 मगरमच्छ लेकर आऊंगा। मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालूंगा, मगर तुम्हारे भूख मिट जाने के बाद उन मासूम जानवरों को नहीं खाओगे। ठीक है, मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, तो मुझे मगरमच्छ तालाब का रास्ता दिखाओ। दानव बालू को अपने हाथ पे लेकर उड़ने लगा। उसके उड़ने से बालू उड़ा और मगरमच्छ तालाब में गिरा। बालू को समझ में नहीं आया कि उस तालाब से कैसे निकले। तालाब के तट पर 2 पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। क्या उस लड़के का भागने का कोई रास्ता है? एक ही रास्ता है, उसे अपने दोनों हाथ 2 मगरमच्छ के मुंह में रखकर तट की ओर तैरना है। बालू को उन दोनों पक्षियों की बात समझ में आ गई, क्योंकि उसको पक्षियों की भाषा आती है। उसने वैसा ही किया जैसे मैना ने कहा और तट तक पहुंच गया, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। दानव ने दोनों मगरमच्छ को खा लिया। मुझे उस बच्चे पर तरस आ रहा है, उसने दोनों हाथ खो दिए। क्या उसके दोनों हाथ फिर से वापस आने की संभावना है? नजदीक में एक मंदिर है, अगर ये बच्चा उस मंदिर पे जाके प्रार्थना करे तो उसकी कामना जरूर पूरी होगी। उस मैना की बात सुनकर बालू मंदिर की ओर चल पड़ा। Thank you.
उसने देवी से अपने हाथों के लिए प्रार्थना की। देवी प्रकट होकर उसके दोनों हाथ उसके वापस दे दिए। और देवी ने उसकी रक्षा के लिए एक रुद्राक्ष भी दिया। शुक्रिया माँ, आपके दर्शन के लिए धन्यवाद। बालू रुद्राक्ष को अपने हाथ में बांध लिया। उस शक्ति से उसने दानों के हाथ पैर तोड़ दिए। दोनों मगरमच्छ को खाने के बावजूद तुम्हारी भूख नहीं मिटी। तुम मुझे खाने के लिए आ गए। तुम कंकाल से मुझे डराने की कोशिश की। तुम मुझे नहीं मार सकते, कोई मेरे भूख नहीं मिटा सके। बालू कुछ देर सोचने के बाद रुद्राक्ष को दानों के पेट पर बांधे। रुद्राक्ष के असर से दानों का भूख मिट गया। तुम एक चालाक लड़के हो, अब मेरी भूख मिट गई। अभी से तुम जानवरों को नहीं खाओगे। ठीक है, मैं कोई जानवर नहीं खाऊंगा, मैं शाकाहारी बन जाऊंगा। आज से तुम सब मेरे दोस्त हो। बालू, हम सब का जिगरी दोस्ती है। चलो, हम सब मिलके उसे शुभकामनाएं देते हैं। बालू प्रसन्न होकर अपने गुफा में लौट गया। एक जंगल में बालू अपने दोस्त बंदर और बास के साथ रहता था। एक दुर्घटना में बालू अपने माता पिता से उस जंगल में बिछड़ गया था। उस दिन से बालू बंदर और बास दोस्त बनकर रहने लगा। एक सुबह जब सूर्य की किरणें उस गुफा में पड़ी, बालू ने उठकर भगवान हनुमान का नमस्कार किया। तब तक बालू के दोस्त बंदर और बाज जाग गए थे और उन्होंने बालू को सुप्रभात कहा। नहा धोकर तीनों नजदीक के पेड़ों से फल लेके आए।
इस बीच गुरुजी आते हैं। बालू ने हनुमान जी को चढ़ाए हुए फल गुरुजी को दिया। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उन तीनों को फल और सब्जियां दी। गुरुजी बालू को 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी के पढ़ाए हुए पाठ उसकी समझ में आता था। बंदर और बाज गुरुजी के बताए हुए भाषा और पाठ समझने के बावजूद बात नहीं कर सकते। दिमाग की शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर है और इंसानों को इन्हीं शक्तियों से महान काम करना चाहिए। पढ़ाई के बाद बालू और उनके दोस्तों ने गुरुजी को भेजा। इतने में उनको ढोल की आवाज सुनाई दी। तीनों एक पेड़ पर चढ़कर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रहे हैं। दूर कुछ आदिवासी लोग ढोल बजाकर घोषित कर रहे हैं कि एक गेंडा आदमियों को परेशान कर रहा है और जो कोई उस गेंडे को मारता है उसको पुरस्कार मिलेगा। बालू और उसके दोस्तों ने उस गेंडे को मारने का फैसला लिया। बालू उन आदिवासियों के प्रधान के पास जाकर नमस्कार करता है। गैंडा कहाँ मिलेगा? मैं उसे मारूंगा। वहाँ के सभी लोग बालू की बात सुनकर हंसने लगे कि एक छोटा सा लड़का उस गैंडे को क्या मारेगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस जानवर को मारूंगा। उस बच्चे की हिम्मत को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तुम्हारे जान की उत्तरदारी नहीं है। ठीक है। यही वो जगह है जहां मैं निर्णय लेकर दोषी को सजा देता हूं। रात को एक गैंडा आकर लोगों पर हमला करेगा। अगर यहां कोई नहीं है तो गैंडा गांव में आ जाए। उसने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा। आदिवासियों के प्रधान ने बालू को सब कुछ समझाया। महोदय, मुझे आपका सहायता चाहिए। अपने लोगों की सहायता से प्रधान ने उन सब की व्यवस्था की जैसे बालू ने बताया था। कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदा और उस पर एक चटाई बिछाई। कुछ लोगों ने पत्थर में भाला बोका और उस पर चादर ओढ़ा। बालू, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। वो गेंडा तुम्हें मार देगा। अभी सब लोग गांव चले जाओ या पेड़ पर चढ़ जाओ।
इस बीच बंदर और बाज ने इशारा किया कि गैंडा आ रहा है। मैं उसे मार दूंगा या उसका आहार बन जाऊंगा। तुम सभी सुरक्षित स्थानों पे चले जाओ। इसे लो, तुम्हें कुछ मदद मिलेगा। सभी पेड़ पर चढ़कर देखने लगे। बालू ने उस गैंडे की सींग को जमीन पर कसकर दबाया। गैंडा गुस्से से अपने सिर को जमीन पर मारा। उससे जमीन पर चिंगारियां आने लगी। गैंडा उस आग में जल गया। वह राख दानों में बदल गया। दानव ने बालू पर हमला किया। दानव बालू के पीछे भागा। एक जगह आकर दानव चटाई पर चढ़ गए, जिसे लोगों ने गड्ढे पर बिछाया था। दानव उस गड्ढे में गिर गया। बालू ने कुल्हाड़ी से उसका सींग काट दिया। आखिरकार गैंडा मर गया, क्योंकि उसकी जान सींग में था। पेड़ पर से सभी लोग उतरकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। अगले दिन प्रधान ने बालू को सम्मानित किया। सज्जनों, दानव अपने अस्तित्व बदल के दूसरे रूप में इधर उधर घूम रहे हैं। गैंडे के बारे में सुनकर मुझे लगा ये जरूर कोई दानव है, इसीलिए मैं प्रधान की मदद से उसे मारने का निर्णय लिया। अभी आप सुरक्षित हैं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वैसे बालू बच्चा ही है, लेकिन उसका दिल बड़ों जैसा है। पैसा वापस ले लो। गांव वालों ने बालू की प्रसन्नता की और पैसे वापस कर दिए। बालू उनको धन्यवाद बोलकर अपनी। एक जंगल में एक चूहा और एक गिलहरी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बाज भी उन दोनों का अच्छा दोस्त था। चूहा और गिलहरी एक पेड़ के उत्खनन